इतना छोटा भैया है, भैया राक्षस को समझना बड़ा कठिन भी है, पता नहीं वो किस रूप में आया है, हैं? खबरदार इसको शरण मत देना। इतने में मैंने हनुमान जी को पूछे, बोले हनुमान तुम ये बताओ अभी क्या करनी चाहिए, इसको शरण देनी चाहिए कि नहीं। हनुमान जी ने बताया प्रभु मैंने जब माता सीता को ढूंढते ढूंढते पहुंचा ना, केवल एक ही व्यक्ति मिला जिसने मेरे को माता सीता की खबर दिया, यही व्यक्ति है, इसलिए यही व्यक्ति, और इसको घर को ऊपर लिखा हुआ था श्री राम शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह था, घर के सामने तुलसी की पौधा थी, केवल एक व्यक्ति को हमने देखा, केवल इतना नहीं जिसकी रोम रोम से राम श्री राम श्री राम, जिसकी रोम रोम से राम नाम निकल रहा था, ये एक व्यक्ति, इसको शरण देनी चाहिए। इतने में ही विभीषण को बोले, अभी सोच रहे कि शरण दे कि नहीं दे, विभीषण ने कहा प्रभु अगर मैं आपको चरण में झूठ बोलता हूँ मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में जन्म लूंगा, कलयुग में ब्राह्मण रूप में जन्म लूंगा। इतने में लक्ष्मण बोले वाह बढ़िया, सब सर पर कटहल तोड़ रखा हो, ब्राह्मण जाति में सर्वश्रेष्ठ है ना, कलयुग में ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण को सब पूजा करते हैं, इसलिए सबके सर पर कटहल तोड़ रखा हो। तो भगवान राम कहते बोले नहीं ये सही कह रहा है, क्योंकि जो कलयुग में जो शुद्ध ब्राह्मण मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए शास्त्र ने बताया राक्षसा कलिमाश्रित जयंती ब्रह्म जनिषु, कलयुग में शुद्ध ब्राह्मण मिलना बड़ा कठिन है, ये सही बता रहा है, ये सही बता रहा है। इसलिए तब उन्होंने तब उसी समय भगवान राम ने सप्त समुद्र को सप्त समुद्र को साथी करते हुए बोले सकृत एव प्रपन्ना जस तवाम स्मितत जाते थे, भगवान कह रहे हैं मैं सात समुद्र को सामने रख करके प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान क्या प्रतिज्ञा करते हैं, अगर एक बार निष्कपट होकर के एक बार कोई बोल दे प्रभु मैं तेरा हूँ और तू मेरे, एक बार निष्कपट होकर कपट से नहीं निष्कपट होकर एक बार कोई बोल देना, भगवान राम कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै तथापि एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, उसको हर समय में अभय प्रदान करना, हर समय में उसको अभय प्रदान करना, भगवान इतने प्रतिज्ञा की। इसलिए जो भगवान के चरण में शरणागत हो जाते हैं, हाँ इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं बोले प्रभु आत्मनिवेदन दुआपद करी हरिमु परम सुखी दुख दूरे गल चिंता ना रहिल चौथी के आनंद बोले प्रभु अभी तक तो हम बड़े दुखी थे, क्यों, चूंकि हमने तुम्हारी शरण में नहीं आया, इसलिए आपकी शरण में आ करके ना हमारे सारे दुख दूर हो गए, चारों तरफ में आनंद ही आनंद दिख रहा, चारों तरफ में आनंद, बोले क्यों, बोले अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण, बोले भगवान की चरण में तीन चीजें, कितना चीजें है, तीन, क्या क्या है, बोले अशोक, अशोक मतलब जहाँ शोक नहीं, अभय जहाँ पर भय नहीं, अमृत जहाँ पर अमृत है, तुम्हारे चरण में ये तीन चीज अशोक अभय और अमृत तुम्हारे चरण में, इसलिए प्रभु अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण द्वय ताहते एखन विश्राम लभिया छारिन भवेर, अभी आपके चरण में विश्राम लेकर के ना हमें अभी कोई डर भय नहीं, सारा दुनिया काल को डरता है लेकिन काल किसको डरता है, भगवान की भक्त जो ठाकुर की शरण में आ जाएगी ना, काल का काल कौन, भगवान है काल का काल, जो ठाकुर जी की चरण में आ जाएगा काल उसको डरेगा, क्यों, चूंकि हर समय वो भगवान की चिंतन भगवान की नाम भगवान की भजन भक्ति में लगा हुआ रहता है, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए रहते हैं काल का काल भगवान नहीं, इसलिए काल भक्तों के पास में नहीं बैठता है, कभी नहीं बैठा, इसके पास में मत जाए तो डंडा पड़ेगा, फिर हैं डंडे पड़ेगी, इसलिए दूसरा जो शरणागति आत्मनिवेदन ठाकुर जी के चरण में शरणागत होना, बोले तीसरा बोले ये विश्वास रखनी चाहिए रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान हमें रक्षा करेंगे ये पूर्ण विश्वास, तो विश्व ब्रह्मांड को जो रक्षा करते हैं वो क्या हमें नहीं रक्षा करेंगे,
दुनिया को रक्षा करने वाला तो यही है। कितना जा के राखे साईं आज मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जग गए। इसलिए जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसको जगत में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ जगत में बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए जैसे श्री अम्बरीश महाराज है, अम्बरीश महाराज जब दुर्वासा इनको मारने के लिए राक्षस हो गया, कृत्या निकल गया, हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, उनको पूर्ण विश्वास, क्या पूर्ण विश्वास, ठाकुर जी हमें रक्षा करने वाले, और वो भगवान की भक्ति करते थे, एकादश इंद्रियों को द्वारा प्रभु को भजन करते थे, ठाकुर स्वयं सुदर्शन चक्र भेजा, उस राज्य को उसको रक्षा करने के लिए ठाकुर जी सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन चक्र वो दिन रात मेरे चिंतन में रहता है, मेरे भजन करता है, अपने आप को रक्षा करने के लिए कुछ चेष्टा नहीं करता। जा तू उसका जीवन में कोई भी विपत्ति आए तुम उसको रखवाल करना, इसलिए उसको सुदर्शन चक्र स्वयं उनको रक्षा करते थे। इसलिए जब दुर्वासा जी इसको मारने के लिए कोशिश का हाथ जोड़ कर खड़े हुए और स्वयं सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया, पहले वो राक्षस को मारा, फिर दुर्वासा को पीछे भगा, ब्रह्मलोक में गए, शिव लोक में गए, रक्षा नहीं, फिर गए कहां पर, वैकुंठ लोक में गए, वैकुंठ लोक में भी रक्षा नहीं की उसको, ठाकुर भी रक्षा नहीं किए, बोले पैर में अगर कांटा चुभ जाए ना सर में नहीं निकलेगा, वो पैर में निकलेगा, जा उसकी चरण में शरणागत हो जाओ, तुमने मेरी चरण में अपराध नहीं की, तुमने श्री श्री अम्बरीश महाराज का चरण में तुमने अपराध किए, जाओ वहीं पर जाकर तुम माफी मांगो, क्योंकि संत मेरे हृदय में रहता है और मैं संतों का हृदय, उनको वैकुंठ से वापस आना कहा, श्री अम्बरीश चरण में आकर के माफी मांगना पड़ा। इसलिए भगवान के ऊपर में ये विश्वास रखनी चाहिए, भगवान हमें जरूर रखेंगे, ठाकुर जी जरूर रक्षा करेंगे, हैं। इसलिए और जो चौथा है गुप्त रूप के वर्णन करता है, मतलब है भगवान हमें जरूर, ठाकुर जी हमें पालन करेंगे, जो चिट्ठी से लेकर के हाथी तक पालन करते हैं कि हमें रक्षा पालन नहीं करेंगे, उसका जो भक्ति करता नहीं ठाकुर जी तो उससे पालन भी करते हैं। हम तो दिन रात ठाकुर का भजन पूजा भक्ति में हम डूबा हुआ, क्या ठाकुर हमें पालन नहीं करेंगे, जरूर पालन करेंगे। इसलिए श्री माधव द्रौपदी नाम सुना है, माधव द्रौपदी का कौन कौन नाम सुने हो आप बताओ तो, माधव द्रौपदी कौन बोलो, कौन बोले बोलो, ईश्वर गुरुवाद की गुरुदेव, इसलिए महाप्रभु का गुरुदेव ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी पाद का गुरुदेव श्री माधवेंद्र थे, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किए, वो इतने बड़े संत थे, 26 घंटा में 26 घंटा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 26 घंटा में 26 घंटा भगवान का नाम जप करते थे, कहीं मांगने नहीं जाते थे, खाने के लिए कहीं मांगने नहीं जाते थे, अपने आप अगर कोई व्यक्ति कुछ दे दिया, अपने आप अगर किसी ने दे दिया तो उसको खा कर ही भजन किया करते थे, कहीं नहीं जाते थे। तो भैया जब भगवान का जो नाम है ना, कहते कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भगत बिनत पान, इसलिए भगवान का नाम को पता है अमृत है, क्या है भगवान का नाम अमृत है, जब भगवान को नाम जब करते थे ना, भगवान का नाम से ही अमृत निकलता, उस नाम से ही अमृत निकलता था, उसको पी पी कर प्रभु कोई खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी तो बड़ी भूख लगती, क्योंकि अभी हमारा जो नाम है ना ये शुद्ध नाम नहीं है, हमारे नाम अभी अपराध शुद्ध नाम, शुद्ध नाम कब होगा, जब हम हरि नाम करते समय हमारे मन और कहीं नहीं जाए, केवल भगवान के नाम ही डूब जाएगी मन, कहीं प्रभु के चिंतन प्रभु के नाम के सिवाय मन में कोई दूसरे चिंता आएगा नहीं। लेकिन अभी देखो आंख बंद कर माला लेकर बैठो, नाती पोती बेटा बेटी दुकान वकान, इसलिए कहते शुद्ध नाम कब होगा, तो जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, सीताओं सुभद्रा
भद्रा देवि की जय। दर्शन चक्र की जय। इसलिए लेकिन शुद्ध नाम तभी होगा जब भगवान का नाम लेते ही एक सेकंड के लिए भी मन कहीं नहीं जाएगी, तभी वो शुद्ध नाम है। तभी ना शुद्ध होगा जो सारे अपराध को छोड़ करके हैं, 10 तरह का जो नामापराध उसको त्याग करेंगे जब भगवान की नाम लेंगे, तभी क्या होगा, उसी समय जब नाम निकलेगा ना मुंह से, एक नाम लेंगे तो सारी काम हो जाएगा, आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लग जाएगी, हृदय गदगद हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वो जो संत थे भगवान को पर संपूर्ण निर्भर करते थे। इसलिए ठाकुर जी एक दिन भूखे में बैठे हुए, उस समय तो सारे छह से साल पहले हो जाएगा, वो संत अभी बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं, गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन भजन कर रहे हैं, आज उनको कोई भजन ही नहीं आया, कृष्ण स्वयं बालक बन कर के आते, बड़े सुंदर मिट्टी पात्र में बड़े सुंदर दूध लेकर आए, बोले बाबा बाबा ये दूध लो, ये दूध को पियो, लगता है तो भूखे हो बाबा है, भूखे हो दूध पियो। वो संत ने कहा तेरे को कैसे पता चला मैं भूखा हूँ और यहाँ पर बैठा हूँ, बोले देखो ये जो ब्रज है ना, ये जो ब्रज वृंदावन, ये सब के सब मेरे शरण में रहते हैं, ये सब ब्रजवासियों को खिलाने वाले मैं हूँ, कोई मांग कर खाता है कोई बिना मांग खाता है, लेकिन जिसको कोई नहीं देते है ना मैं स्वयं जाकर उसको दे करके आता हूँ, मैं खुद दे करके उसको आता हूँ, देख बाबा दूध पी लेना, अभी मैं गैया चराने जा रहा हूँ, जब वापस जाऊँगा ना ये पात्र ले जाऊँगा, पात्र यहीं पर रख लेना। जब उन्होंने वो दूध को पिए, जीवन में तो बहुत दूध पिए थे, लेकिन वो दूध को किसने लाए, ठाकुर जी लाए, कृष्ण स्वयं लाए। जब उन्होंने वो दूध को पिया उनके रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई, बोले इतना मीठा दूध उन्होंने कभी पिया ही नहीं है। जब उन्होंने छोटी सी पी करके थक किया है ना, फिर ठाकुर जी स्वयं आ गए, बोले बाबा बाबा मैं किसी जंगल में रहता हूँ और मेरे को बचरना कृष्ण का जो गौपुत्र था उसने स्थापन किया था, लेकिन मुसलमान का आक्रमण होने पर मेरे सेवक मेरे को इसी जंगल में छोड़ करके चला गया, मैं बड़ी दिन से तेरे राह देख रहा था, तुम कब आओगे और मेरी सेवा करो, हमको स्वप्न देख रहे हैं, ठाकुर जी हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं, बोले देखो मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ, फिर तुम यहाँ से निकालना। फिर उन्होंने गाँव वालों को बुला कर वहाँ से ठाकुर जी को निकाला। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुप्त मतलब है उनको पूर्ण विश्वास होनी चाहिए भगवान जरूर मेरे को पालन करेंगे ही, ठाकुर मेरे को जरूर पालन करेंगे, विश्वास रखना चाहिए हैं। और अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से विभाजन मतलब है भक्ति का जो अनुकूल वस्तु उसको स्वीकार करना, और भक्ति का जो प्रतिकूल वस्तु मतलब जो काम करने से गुरु वैष्णव और भगवान खुश होएंगे, जीवन में वही काम तो करो, जो काम करने से गुरु वैष्णव भगवान खुश नहीं होंगे इसको त्याग दो। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा करो, वही चीज देखेंगे वही चीज सुनेंगे वही चीज बोलेंगे जिसमें ठाकुर प्रसन्न होते, गुरु संत वैष्णव प्रसन्न होते हैं, वही चीज को ही जीवन में हमें करना है, वो चीज कभी नहीं करना जिसमें हमारे गुरु जी वैष्णव ठाकुर जी नाराज होते हैं, वो काम को हमें नहीं करनी चाहिए। फिर जिनके अंदर में 6 शरणागति आ जाएगी ना ठाकुर जी, तो आप जो बोलोगे ठाकुर जी उसको सुने, ठाकुर जरूर सुनेंगे। इसलिए जितने बंगला कीर्तन है ना, ये भजन को किसने गाया है, हमारे महाप्रभु के सूत्र भक्तों, भक्त मनोहर ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, प्रेमानंद ठाकुर, इन लोगों ने जो भजन जो बंगला भजन गाते हैं, इन लोगों ने ये भजन को गाए हैं, कभी सबके सब भक्त है। जब इन भजन को हम गाएंगे, ये भजन को गाने वाले कौन, शुद्ध संत है, हम जो भजन गाते हैं हमारी भावना क्या रहती है, हम भजन नहीं गा रहे, भजन गा रहे ये संत, हम तो पीछे पीछे उसको रिपीट कर रहे हैं, पीछे पीछे उसको दोहरा रहे हैं, उसको पीछे पीछे हम रिपीट कर रहे हैं,
जब इसी भावना से उसको गाएंगे, फिर के भजन को क्या होगा, बोले ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, बोले ठाकुर जी उनकी ही प्रार्थना सुनेंगे, किसकी प्रार्थना सुनेंगे, जिसके अंदर में ये छह गुण आ जाए उसकी प्रार्थना सुनेंगे। इसलिए प्रभु जी अभी जो भजन गा रहे थे उनकी भजन, भक्तिमन ठाकुर कौन है, बल्कि राधा रानी की एक सखी, कमल मंदिर राधा रानी की एक सहचरी सखी है। जब ये कोई भजन गाएगी ठाकुर तो जरूर सुनेंगे, क्यों, भगवान भक्तों का प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए अक्सर करके जितने हिंदी भजन, कुछ तो हिंदी भजन जो कि भक्त लोगों ने गाए, कुछ विराट की भजन गाया होगा, कुछ सूरदास का कुछ भजन है, कुछ विराट की भजन है, ये भजन तो ठीक ठाक है, लेकिन कभी कभी इधर उधर करना बहुत सारे भजन जो किसी भक्तों का ही गाया नहीं हुआ होता, इधर उधर लोगों ने जोड़ जाड़ करके वो भजन को बना दिया है, जोड़ जाड़ कर भजन बना दिया, और उसको गाने से ठाकुर जी उसको सुनते हैं, ठाकुर जी उसको सुनते हैं। इसलिए आप लोगों की कोशिश करना अपना घर में जब कोई भजन गाओ ना, भक्तों का गाया हुआ भजन को गाओ। भक्त विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इन लोगों ने जो भजन गाए ये बंगला भजन प्रसिद्ध, ठीक है ना। अभी प्रभु जी जो गा रहे थे बंगला भजन है, और ये भजन बसरी भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भजन को गाए हैं, ठीक है। उसमें क्या गा रहे थे, बोले गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कराए दासे त्रिना पेखा अतिना सकल सहनी बल दिया करा निज माने प्रियाना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कराए दासे त्रिना पेखा अतिना। ये भजन में अच्छी बात बता रहे, बोले हे गुरुदेव हमें कृपा बिंदु दिया, आप तो कृपा की समुद्र हो, आप तो कृपा की समुद्र हो, उसपे वो समुद्र से मेरे को एक बूंद दे दो, हमें एक बूंद दे दो, हमारे लिए एक बूंद काफी है, क्या बूंद दे दो, क्या कृपा, क्या किस चीज की कृपा, बोले सकल सहनी बल दिया कर निज मान स्प्रिया है। इसमें कह रहे हैं सकल सहनी बल दिया करो, भजन करने के लिए सबसे जो पहला गुण है सहना। इसलिए भगवान श्री कपिलदेव जब अपना माँ को उपदेश सुना रही हैं, माँ संतों की संग करना, इतने में माँ प्रश्न करती है, बोले बेटा तुमने तो बता दिया संतों की संग करना, लेकिन संतों का कुछ लक्षण भी तो होगा, उनका लक्षण तो बताओ। पहला लक्षण कहते हैं बोले तिथिक सबकारुणिका श्रुहिदा सर्वदेना, उनका जो सबसे पहला गुण उसको गांठ बांध दो सहन करना, जो सहे सो रहे और जो ना सहे वो नाश रहे। अगर बात बात में तुम लग जाओगे, बात बात में क्रोध आ जाएगा, फिर प्रभु भक्त कैसे करोगे, भक्ति कर नहीं सकते हो। इसलिए हरिदास ठाकुर को बन में 22 वजन में पिटाई हो गई, सारा चमड़ा उतर गया सारे, लास्ट में वो क्या कहते हैं, वो किसको पर दोष नहीं दिया, वो क्या कहते हैं, बोले मैंने इन्हीं कानों में ठाकुर जी की बुराई सुना है ना, निंदा सुना है, इसलिए ठाकुर जी केवल थोड़ी सी दंड देखने के लिए छोड़ दी। इतने मार खाने का बाद में 22 मार्केट में ऐसे 5-6 ऐसे पिटा की सारे चमड़ा निकल गया, प्रहलाद के ऊपर भी आकाश से फेंक दिया पहाड़ों से है, और उनको आग में बैठा दिया, उनको सर्पों के सामने डाल दिया, हाथी को प्यार के नीचे उनको ये कर दी, लेकिन भगवान भजन नहीं छोड़, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। मीरा का नाम सुने हो, कौन कौन मीरा का नाम सब जानते हैं, जब उसने भजन की उसका सांस नानंद देवर जेठ सबके सब उसको पीछे बढ़ गए, कोई नहीं छोड़े उसको, लेकिन विरा ने अपना भजन नहीं छोड़ी, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्ति करने के लिए सबसे जो पहला गुण क्या चाहिए, सहन चाहिए, सहन चाहिए। अब विशेष करके भक्ति करने जाओ ना, कहते यहाँ तक भी जो देवता लोग भी उसको पीछे पड़ जाते हैं,
देवता लोग भी पीछे पड़ जाते हैं, वो देवता भी टांग पकड़ कर खींचना शुरू कर देंगे। बोले किसी बोले कारण है, जैसे भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, जो नारायण का भक्ति करेगा वैकुंठ जाएगा, जो राम की भक्ति करेगा वो अयोध्या जाएगा, और जो कृष्ण भक्ति करेगा वो कहाँ जाएगा, गोलोक वृंदावन जाएगा। और गोलोक वृंदावन सबसे उच्च स्थान, सबसे जो देवता कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में, जो स्वर्ग सबसे नीचे स्वर्ग है, सबसे नीचे स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग ऊपर में मोह जड़ना तप सत्य, उसको ऊपर में विरजा, उसको ऊपर में ज्ञान पर वैकुंठ है, फिर वैकुंठ पर अयोध्या द्वारका और गोलोक वृंदावन में सबसे ऊंचा स्थान। जो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं वो गोलोक वृंदावन में जाएंगे। देवता लोग सोचते हैं साधारण है कि इंसान पृथ्वी में जन्म लिया और पृथ्वी में जन्म लेकर के और प्रभु की भक्ति करके हमारा सर पर प्यार लेकर गोलोक वृंदावन में जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, तेरे को टांग पकड़ खेचेंगे। इसलिए उसकी टांग पकड़ करके देवता भी खेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब प्रभु की भक्ति करते हैं, इसलिए गुरु जी की चरण में प्रार्थना करते, गुरु जी हमारे ऊपर में कृपा करो। बोले क्या कृपा करो, बोले सकल सहने बल दिया करो, हर चीज को सहन करने के लिए हमें ताकत दो। और निज मानस प्रिया ही मैं सबको सम्मान दूं और मैं स्वयं कभी सम्मान की भूखे नहीं बनूं और सबको उपयुक्त में आदर, है ना। लेकिन हमारे अंदर भावना क्या है, हम किसी को भी सम्मान नहीं दें, सभी हमें सम्मान दें। देखो आप जिसको सम्मान दोगे ना, आप जो जितने दूसरे को सम्मान देगा उसको उतना ही सम्मान मिलेगा, उतना ही सम्मान मिलेगा। इसलिए निज मानस प्रिया ही सकल सहने बल दिया कर, निज मानस प्रिया ही, इसके बाद में उसको अगर सकल सम्मान करी ते सकती देह नाथ जथा जथ तबे त गाई व हरि नाम सुख अपराध। वो कहते जब हम सबको सम्मान प्रदान करेंगे, सबको यथाजथ सम्मान जब हम प्रदान करेंगे, तभी तो हम आनंद से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तभी भगवान के भजन हम कर सकते हैं। अगर सबको सम्मान नहीं करोगे फिर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भजन में गुरु जी के चरण में ये प्रार्थना करते हैं, सबको सम्मान दो, सभी को आदर दो, सभी को इज्जत दो, और क्या करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम It's not
भजन में ये बंगला भजन है और इसको जिसने लिखा है उनका नाम श्री नरोत्तमदास ठाकुर है। नरोत्तमदास ठाकुर का नाम सुने हो? कौन कौन सुने? अब बताओ तो नरोत्तमदास ठाकुर कौन था? बोलो वो कौन थे? ये जो संत हैं ये एक राजा के बेटे, राजा घर के बेटे, साधारण घर के बेटे नहीं थे। जब इनको महाप्रभु की भक्ति की चस्का लगी ना, उन्होंने अपना राजपाट को छोड़ दिया। राजपाट को छोड़ करके उन्होंने महाप्रभु का भक्ति में पागल होकर के श्री महाप्रभु का शरण में आए और इतने भजन इन्होंने किया जो सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि जीवन चरित्र सुनकर तो आश्चर्य हो जाएंगे कैसे उन्होंने गुरु जी की सेवा करने के लिए गुरु जी के पायखाना को उन्होंने परिष्कार किया है और गुरु जी की उन्होंने कृपा को कैसे प्राप्त किया, उन्होंने गुरुदेव की आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर दिया। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम प्रेम बंदी चंद्रिका। क्या नाम है? प्रेम बंदी चंद्रिका। हाँ, जिसमें प्रेम भक्ति की चंद्रिका मतलब होता है प्रेम भक्ति का जैसे चंद्रमा जैसे। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे अगर कृष्ण किसको कृष्ण पाना है ना, कृष्ण पाना केवल इनके ग्रंथों को पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते तुम्हें कृष्ण प्रेम अपने आप मिल जाएगी। मतलब इतने सुंदर सुंदर इन्होंने भजन गाए, केवल इनकी ग्रंथों को भजन को पढ़ते सुनते रहो, पढ़ते रहो, कृष्ण अपने आप तुमको मिल जाए। इतने सुंदर ग्रंथ है इनको कृष्ण कहते, ये इनका ग्रंथ का नाम अद्भुत ग्रंथ बनाए। इसलिए ये महापुरुष शरीर कैसे छोड़े? शरीर नहीं छोड़े उन्होंने, उनको चले लोगों ने ले गए इनको स्नान कराने के लिए गंगा में। जब स्नान कराते ना शरीर को मलते हैं, जब शरीर को मल रहे थे वो मलते 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 शरीर अपने आप लीन हो गया पानी, अपने आप मिलता शरीर अपने आप पानी में लीन अपने आप हो गया और शरीर नहीं छोड़े। ये महाप्रभु का एक नित्य परिकर थे और उन्होंने ऐसे उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने इतने भक्ति को उन्होंने प्रचार किया। पहले तो मणिपुर में एक राजा तो पहले अपना चला बना, राजा को जब राजा चला बन गया प्रजा तो अपने आप चला बनी जाए। उन्होंने राजा को पकड़े पूरा मणिपुर बदल गए। अभी भी वो आज के 5 साल पहले कथा है, आप जाओगे ना घर घर में ठाकुर देखोगे, वहाँ का स्त्री या साधु वेस्ट पहनते हैं, ऊपर का जो ड्रेस है ना ऐसे रंग और नीचे सफेद, गले में कंठी ऐसे तिलक धारण करते हैं। और हमारा जो धारा है ना नरोत्तमदास ठाकुर का धारा है, ये जो तिलक है ये नरोत्तमदास ठाकुर जी का तिलक हम लोग को धारण उसको धारण करते हैं। कितने बड़े संत थे, हम रोज रोज गाते हैं ना श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा। किसका ये भजन? इन्होंने गाया, इनका भजन कितना गौरांग बलि ते हवे। बोला बोला का शरीर हरि हरि बोलि ते ना ज्ञान बगनी। इनका भजन इनका ही भजन है प्राय करके जितने हम रोज रोज राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवन मारणी गति हार नाही मोर। ये महापुरुष का ही सर भजन रोज रोज भजन गाते हैं ना, इनकी भजन का हम रोज रोज गाते हैं। इसलिए वो अभी जो उन्होंने भजन गाए हैं रूपे पाई व सेवा मोई दुराचार श्री गुरु वैष्णवे रति ना हलवामार। भजन में कहते हैं कि ठाकुर जी किरूपे पाई व सेवा मोई दुराचार, हम तो दुराचारी हैं, हम दुराचारी पापी है, आपकी सेवा हमें कैसे मिल सकती है? बोले सेवा मिलेगी कैसे? बोले श्री गुरु वैष्णव रति नाहिला, तभी सेवा मिलेगा जब गुरु जी की चरण में संतों की चरण में भक्ति मिलेगी। सेवा ऐसे नहीं मिल जाएगी, ठाकुर की सेवा हमें ऐसे नहीं मिल जाएगी। हाँ कोई बोलेगा नहीं राधा कृष्ण की सेवा मिली है, नहीं पहले गुरु जी की कृपा होगी, फिर गुरु जी उनको गुरु जी के पास मिले जाएंगे, उनको गुरु जी के पास मिले जाएंगे, फिर लास्ट में
श्री रूप मंजरी पास, फिर रूप मंजरी फिर ललिता सखी के पास मिली जाएगी। फिर ललिता सखी राधा रानी पूछ रही है कौन है, एक नई सखी आई है इसको राधा जी की सेवा में लगाओ। फिर वो राधा जी के पास में जाएगी, फिर राधा रानी हमें लेकर के कहाँ सेवा लगाएगी, श्री कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगी। आप छलांग लगा कर कृष्ण सेवा प्राप्त नहीं कर सकते, पहले गुरु जी हमें धीरे धीरे उनको गुरु जी करते करते श्री लास्ट में राधा जी पर राधा रानी कृष्ण सेवा में लगाएंगे, हम छलांग लगा करके सेवा हमें नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं श्री गुरु वैष्णव रति ना ही लामार, जब तक वैष्णव गुरु जी के चरण में प्रेम नहीं हो तो सेवा नहीं मिलेगा। और ठाकुर जी को जो सेवा है ना बड़ा दुर्लभ है, गोलोक वृंदावन में अगर किसको एक फूल की माला बनाने की कोई सेवा मिल जाए बस जीवन धन्य हो जाता है। ठाकुर जी की सेवा के लिए माला बनाने की सेवा मिला, अगर वहाँ पर किसको थोड़ी सी चंदन घिसने का, थोड़ी सी किसकी सेवा की केवल चंदन घिसने का, वो जीवन धन्य मानते हैं। ठाकुर जी के लिए हम चंदन घिसते हैं है? जिसको रसोई बनाने का सेवा मिल जाए अहो भाग्य, रसोई बनाना तो राधा रानी की सेवा है। कृष्ण सबके हाथ का खाना नहीं खाते, कृष्ण केवल राधा रानी के हाथ की खाना खाते और किसी का हाथ का खाना कृष्ण नहीं खाते, क्योंकि राधा रानी को श्री दुर्वासा जी ने वरदान दिया। बेटी जब राधा रानी छोटी थी ना तभी दुर्वासा जी सी गए और राधा रानी ने बड़ी सेवा की और वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते, बोले बेटी तुम्हारे हाथ का जो खाना अमृत बनेगा और तुम्हारे हाथ का जो खाना खाएगा ना वो कोई बुढ़ा नहीं होगा, शरीर में व्याधि नहीं आएगी है, शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, अमृत बनेगा तुम्हारे हाथ की खाना। दुर्वासी राधा रानी को आशीर्वाद दिया, इसलिए राधा रानी को माँ जशोदा रोज रोज बुला करके अपना महल में राधा रानी के हाथों से खाना बनाया करती थी। राधा रानी के हाथ की खाना केवल कृष्ण खाएंगे। हाँ देखो एक चीज सीख कर जाओ, जब कोई खाना बनाते हो अब क्या समझो मैं खाना बना रही हूँ, नहीं खाना कौन बना रही है, हम राधा रानी को मदद कर रहे हैं। इसलिए नियम है जब ठाकुर जी को रसोई बनाने के लिए जाओ ना सबसे पहले आकर के ठाकुर को प्रार्थना करो, हे राधे रसोई तो हमारी हाथ का खाना तो श्याम सुंदर खाएंगे नहीं, श्याम सुंदर तो तुम्हारी हाथ की भोजन करते, इसलिए हे राधे मैं रसोई का आप ही बनाओ, कौन बनाएगी आप ही बनाओगे, लेकिन केवल मैं आपको जुगाड़ देती, जुगाड़ समझती हो, केवल आपको पीछे से मैं मदद करती हूँ, रसोई आप बनाना, आप ये सोच करके रसोई बनाना ना देखना वो रसोई में कितने स्वाद आएगी, बड़ा आनंद आएगा, क्यों आप राधा जी बना रही हैं इसी भाव से रसोई बना रही, ठीक है ना, इसी भाव से रसोई बनानी चाहिए, नियम यही है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर वहाँ पर किसको रसोई की सेवा मिल जाए तो जीवन धन्य है। हम ठाकुर जी की और राधा रानी हैं, जब वहाँ पर राधा रानी रसोई बना दिया ना 20-25 स्टोव तो भाटी जिसमें रसोई बनती है वहाँ पर तो गैस है, गोलोक वृंदावन में गैस में नहीं बनती है, वहाँ पर किसे बनती है कट्टे, कट्टे से नहीं तो लकड़ी से बनती है, बर्तन आती है चारों तरफ 20-25 भाटी लगा हुआ, कहीं ललिता बना रही है, कहीं विशाखा बना रही है, कहीं चंपक लता बना रही है और राधा रानी बीच में बैठी, आप एक भाटी को सामने बैठो कितना गर्मी है, और जहाँ पर 20-25 भाटी लगा हुआ हो राधा रानी की शरीर कैसे है, उदाहरण दिया राधा जी की शरीर इतने कोमल है चंद्रमा का किरण भी पड़ना राधा रानी इतने कोमल आंगी उनके शरीर को भी कष्ट होता है, इतने राधा रानी कोमल आंगी, लेकिन जब 20-25 भाटी लगी हुई रहती है राधा रानी बीच में बैठ के खाना बनाती है उनको ऐसे लगता है जैसे एयर कंडीशनर रूम में बैठी, क्यों बोले किसके लिए खाना बना रहे, ठाकुर जी के कृष्ण के लिए खाना बनाती है, इसी में इतने प्रसन्न है, इतने राधा रानी प्रसन्न रहती है, इतने खुश रहती, बोले ललिता कृष्ण अभी गोचारणा करके आने वाले हैं, अभी जल्दी जल्दी आएंगे, अभी तक ये सब्जी बनी नहीं, अभी तक मटर बनी नहीं बनी, अभी तक साग भाजी नहीं बनी, अभी तक ये पकौड़ा नहीं बना, अभी तक ये लड्डू नहीं बनी, अभी तक ये दाल नहीं बनी, अभी तक ये साग भाजी नहीं बनी, अभी जल्दी जल्दी बनाओ, राधा रानी बीच में बैठी करके
सबका आदेश देती है और बीच में बैठी करके राधा रानी क्या बनाती है, एक लड्डू बनाती है। कहते लड्डू का नाम क्या, बोले मनोहर लड्डू। क्या नाम है? उसमें काजू, पिस्ता, बादाम देख करके राधा रानी अपना हाथों से वो लड्डू को राधा रानी स्वयं बनाती है, अपना हाथों से वो लड्डू और कोई नहीं बनाती। और कृष्णा खाने का बाद आप लोग जैसे यहाँ के लोग है ना, पहले मिठाई खा लेंगे फिर खटाई खा लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। वहाँ पर जो मिठाई लास्ट में खाते हैं बंगाल में, ये मिठाई लास्ट में खाते हैं, बोले पहले क्यों नहीं खाते हैं? पहले अगर पहले मिठाई खा लोगे ना फिर तो कोई चीज़ खाने की फिर इच्छा नहीं होगी, लेकिन इसलिए वहाँ मिठाई लास्ट में मिठाई को खाते हैं, हैं? इसलिए राधा रानी जो लड्डू बनाती है इतने टेस्टी है, इतने टेस्टी लड्डू। जब कृष्णा वो लड्डू खाते हैं ना, बोले बगल बाजा यार देर, बगल मतलब ना जैसे खुश होकर के ना, कृष्ण लड्डू खा कर कितने खुश हो जाते हैं, कितना बढ़िया लड्डू बनाया है, हाँ वो खुश हो जाती हैं लड्डू खा कर कृष्ण। इसलिए देखो वहाँ पर जो सेवा है ना, कोई अगर एक सेवा किसको झाड़ू लगाने का सेवा मिल जाए गोलोक वृंदावन में, किसको पुष्प चाय के करने की सेवा मिल जाए, कहते हमारे जीवन धन्य है, ठाकुर जी के लिए हमने पुष्प चाय कर रहे हैं, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ देखो एक चीज समझो, ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर क्या है? कहते एक ट्रेनिंग सेंटर है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ये जो गौड़ीय मठ है, गौड़ीय मठ नहीं, मैंने राधा रानी का जो निकुंज महल को गोलोक वृंदावन से राधा रानी का निकुंज महल को मैंने यहाँ पर उतारा, इसलिए ये मंदिर नहीं है, ये क्या है, राधा रानी के निकुंज महल है। जैसे गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज महल में जो जो चल रहा है यहाँ पर भी वैसे सब चलता है यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है। और जो जितनी सुंदर ट्रेनिंग लेगा एक्सपर्ट बनेगा उसको नौकरी बढ़िया नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी ना। हाँ देखो ये चीज़ को समझो, जैसे यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं ना, झाड़ू कहाँ लगा रहे हैं, बोले राधा रानी के निकुंज महल में झाड़ू लगा रहे हैं। रसोई बना रहे हो इसके लिए, बोले ठाकुर जी के लिए राधा रानी बना रहे हैं, मैं उसको मदद करती हूँ। हैं यहाँ पर फूलों की माला बनाते हो, वहाँ पर फूलों की माला कौन बनाती है, राधा रानी के सहचरी सखी मंजरी। कभी कभी राधा रानी अपना हाथों से फूलों की माला बनाती है, पान की बिड़िया बनाती है कृष्ण के लिए, पान की बिड़िया बनाती है। इसलिए यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो सेवा करते हैं ना ठाकुर जी को, जो सेवा करते हैं राधा रानी देख रही है, कृष्ण देख रहे हैं, जगन्नाथ जी देख रहे हैं, जब इनकी यहाँ सेवा करेंगे ना, बस ठाकुर जी अपना गोलोक वृंदावन में अपना स्थान दे देंगे, राधा रानी अपना सखी रूप में आपको गोलोक वृंदावन में स्थान दे देंगे। इसलिए बड़ी भाग्य से कहीं सेवा मिलती है, इसलिए सेवा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, काम चोर नहीं बननी चाहिए, बल्कि हमसे जितने दूर हो सके, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। यहाँ जितने ठाकुर की बढ़िया सेवा करोगे ना, बस आपको गोलोक वृंदावन में उतना बढ़िया सेवा आपको मिलेगा, राधा रानी की सेवा वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कब मेरा ऐसे दिन आएगा, बोले कौन सा दिन, बोले मैं नुपुर बन जाऊंगी राधा रानी की चरण की, राधा रानी की चरण की नुपुर। कभी आप लोग नुपुर बहने हो, कौन कौन नुपुर बहने, पहले पहले क्या होता था, पहले अभी तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है, लड़की लड़कियां शादी से पहले ना एक चूड़ी जरूर पहनती थी, हाथ कभी खाली नहीं रखते थे, हमने जो गांव में देखा कल एक ही हाथ में एक चूड़ी पहने शादी से पहले। लेकिन जब शादी हो जाती है ना हमारे बंगाल में, जब यहाँ से यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती है, यहाँ से यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती है, और जब शादी होकर के जाती है ना जरूर प्यार में तो नुपुर रहेगा ही। बोले क्यों, धारण किया वो एक क्यों पहनती, बाद में क्यों नुपुर पहनती है और क्यों हाथ में इतना चूड़िया पहनती, कारण क्या? बोले कारण है जब घर में कोई सेवा करती है माताएं, देखना चूड़ी जैसे दधि मंथन करेगी, नहीं तो कोई रसोई बनाएगी, देखना यहाँ से यहाँ तक चूड़िया पहनेगी ना, वो चूड़िया चूड़ियों की आवाज होती है, झनझन झनझन आवाज होती है, और अपना पैर में नुपुर पहन करके आप चलो देखना छम 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 आवाज होता है। लेकिन वो आवाज जब पति को कान पर पड़ता है ना, पति बड़ा खुश हो जाता है,
पति बड़ा खुश होता है, मेरी पत्नी घर की काम कर रही है, हैं घर की सेवा कर रही है, और चलते हुए जाओ ऐसे छमछम आवाज होती है ना, पूरा घर में गूंज उठती है वो नूपुर की आवाज है, हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कब मैं ऐसे दिन आऊंगा जो राधा रानी के चरण के नूपुर बन जाऊंगा। और राधा रानी जब चलते हुए जाएगी, चरण की जब छम 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 आवाज होगी, किसकी कान पर पड़ेगा, किसको कान पर, कृष्ण को कान पर पड़ेगा, ठाकुर जी के कान पर। और कृष्ण बड़े प्रसन्न हो, मेरी राधा रानी चलते हुए जा रही है। इसलिए पहले हमारे गांव में हमने देखा दिया शादी के बाद में नूपुर पहनेगी और हाथ में चुड़िया, यहाँ से इतना तो वह चुड़िया पहन कर निकलती है, यहाँ से इतना तो वह चुड़िया चुड़िया घर में करती। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते भैया हाँ कि रूपे पाई पर सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णव रहती नहा। सेवा तभी मिलेगा जब संत गुरु और वैष्णव इनकी चरण में जब प्रीति होगा ना, इनकी जब कृपा होगी तभी सेवा में मिलेगा। श्री गुरु वैष्णव रति ना है कहते अशेष मयात मन मगन है वैष्णव तेलेश मात्र रति ना जन्मे। कहते हमें ना अशेष मयात मन मगन है, हमारा जो मन है एकदम माया में हमारा मन डूब गया और वैष्णव में हमारी रुचि नहीं हो रही है, रुचि तो परिवार में हो रही है, अपना बेटा बेटी नाती पोती में रुचि हो रहा है, लेकिन एक संत में गुरु वैष्णव में रुचि नहीं हो रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए बोले तब निज जन परम बांधव संसारे कारागार, कहते अपना अगर कोई हो, कहते अपना कौन है, हमारा अपना कौन है, वो कहते हैं अपना जो सही व्यक्ति है ना ये साधु गुरु वैष्णव है अपना है, ये जगत में अपना कोई है ही नहीं, जगत में कोई अपना है, जगत में कोई अपना नहीं है, अपना हो तो कौन है, गुरु जी ठाकुर जी संत ये हमारी अपना यही लोग ही अपना अपना व्यक्ति है, ये जगत में अपना बोलकर कोई है नहीं है। इसलिए कहते हैं ना आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा है, इसलिए पैसा खत्म कहते हैं आप तो आप कैसे नहीं, आप कौन हो, आप फिर कौन हो जाता है, ये संसार बड़ा विचित्र दुनिया, संसार बड़ा विचित्र है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अपना अगर कोई साधु गुरु वैष्णव हमारा अपना व्यक्ति है, इसलिए अशेष मायात्मन मगन है वैष्णव ते लेस मात्र रति जन नजर मिलो, बोले विषय भूलिया अंध है नु दीवानसी गले फास दिते तेरी माया से पिशाची, बोले विषय में डूब करके है विषय भूलिया अंध, हमने अंधा बन गया, विषय भूलिया अंध है नु दीवानसी दिन रात हमने विषय में डूब गए हैं और गले फास दिते तेरी माया से पिशाची, कहते ये माया रूपी जो पिशाच है जो प्रेत है हमारे गला में रस्सी लगा करके हमारे गला में हमें क्या कर रहे हैं, ये संसार में भटका रहे हैं, संसार में हमें भटका रहे हैं संसार में, इसलिए ये संसार क्या ये माया, बोले माया मतलब क्या, बोले माया मतलब होता है जो जो चीज नहीं है ना वो चीज को हाँ करना एक माया है, यही चीज माया, लेकिन जो भक्तों का जो परिवार है ये माया नहीं, एक ही चीज को समझो जो भक्तों का परिवार ये माया नहीं है, जिस घर में बेटा भी भजन करता है, बेटी भी भजन करती है, बहू भी भजन करते हैं, पति भी भजन करते हैं, पत्नी भी भजन करते हैं, वो माया नहीं, वो भगवान का धाम है, जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा पाठ परिवार करते हैं वही वृंदावन धाम, वही वृंदावन धाम, वही वृंदावन धाम, लेकिन उन्हीं के लिए माया है जिस घर में कोई भजन भजन का कोई मतलब नहीं, दिन भर टीवी लगा कर उल्टा पुल्टा चीज देखना, उल्टा पुल्टा चीज खाना, इधर उधर दिन भर भगवान की कोई हरी चर्चा नहीं, हरी की कोई नाम नहीं, केवल माया माया संसार संसार, कैसे कमाओ खाओ और मर जाओ, उनका घर ही बदलने का कारण है, लेकिन जिस घर में हरी चर्चा हरी नाम हरी कीर्तन ठाकुर का सेवा पूजा वही श्री वृंदावन धाम वही है, वही भगवान की धाम है। इसलिए अपना घर को क्या बनानी चाहिए, वृंदावन की धाम बना, घर में भजन पूजा करो, खुद खुद भी भजन करो, बच्चों को भी भजन की शिक्षा दो, परिवार सबको भजन की शिक्षा दो, सबके गले में कंठी हो तिलक हो, सबके घर में सबके हाथ में ठाकुर जी की माला जप कर सबके सब, आज भगवान की वही घर भगवान की धाम बन जाता है।
एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 भगवान की चिंतन भगवान की पूजा पाठ भगवान की भक्ति करते रहते हैं और ये संसार में कोई दिखता है नहीं, ये झूठा संसार है, माया की संसार है। बोले गुरु जी आप तो घर गृहस्थ किया ही नहीं, आप कैसे पता संसार माया है, ये झूठा संसार है, हैं? आप तो शादी किए नहीं, आपको क्या पता है। बोले गुरुदेव आप बोलते हो संसार में कोई इसका है नहीं, अगर मैं एक अगर आने घर में आने में थोड़ी सी देर हो जाता है ना, घर में कोई खाना नहीं खाते, पिता माता बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं, हैं? इसलिए मेरे को मेरी पत्नी बड़ी प्रेम करती है मेरे को, पिता माता तो अपना नए तारे मानते, बच्चे तो प्राण ही मानते हमें, इसलिए आप कैसे। जब ये बात कहते ना कोई किसका ही नहीं झूठा संसार, मेरे मन में बड़ा कष्ट होता है। तो गुरु जी ने कहा देखोगे बेटा, बोले क्या, बोले देख तेरे को एक सिखा देता हूँ, दिखाता हूँ संसार क्या है। बोले तेरे को एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र भी याद कर लो, और तुम जब घर में जाओगे ना और ये मंत्र को जब करते 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 तुम गिर जाना, और ऐसे गिरना दो पिलर को बीच में गिरना, जब तक शरीर नहीं काटे तब तक शरीर जैसे निकले नहीं, हैं? दोनों पिलर को बीच में गिरना और घर में जा करके बोलना आज तबीयत ठीक है, घर में आया और आकर के बोलते आज शरीर में घबराहट हो रहा है, शरीर बेचैन सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और कैसे अगर मेरे शरीर में कोई इधर उधर हो गया ना, हमारे गुरु जी को थोड़ी सी याद करा था ना, बुला करके ले आना। वाह कितना बोलते बोलते मंत्र को पढ़े और जो दो पिलर था ना उसको आराम करके गिरी। लेकिन जो ये लोग बोलेंगे ना तुमको सब सुनाई पड़ेगा, सब सुन पाओगे कि क्या क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, लेकिन मरोगे नहीं, लेकिन मरना जैसे पड़े गिर रहे हो। जब उसने ये बात को बोला ना, परिवार वाले बोले क्या हो गया क्या हो गया, फिर पता नहीं मेरे शरीर में क्या हो रहा है, करते करते वो मंत्र को पढ़ा और गिर पड़ा, गिर पड़ा तो दोनों पिलर के बीच में हाथ पैर फैला कर, अभी तो पूरा परिवार रोना शुरू कर दिया। पत्नी बोली है, पत्नी बोली मैं क्यों नहीं मर जाई गई, अगर मैं मर जाती तो बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा कमाएगा, कभी यही तो कमाया करते थे। और पिता माता बोले हम तो बूढ़ी बूढ़ा बूढ़ी हो गए, हम क्यों शरीर नहीं छोड़े, हाँ? और हमारे जवान बेटा ही मर गया, हम क्यों पहले नहीं मर गए। बच्चों ने कहा अगर पिताजी घर में रहते यही कमा करके परिवार को पालते थे, ये पिताजी क्यों मर गए, हम क्यों नहीं मर गए। सब पूरा परिवार रोना रोना धोना, पूरा परिवार में हाहाकार मच गए। लेकिन उसने बोला था अंतिम समय थोड़ी सी मेरे गुरु जी को याद करा कर बोला करके लिया, और भागते भागते गए मेरे गुरुदेव ऐसे ऐसे हो गया, अब घर में चला था ना शरीर छोड़ के, गुरु जी को तो सब पता, बोले तो अभी अभी आश्रम से गया, बोले तो अभी अभी आया था पता नहीं, बोला जी घबरा रहा है करते करते तो प्राण त्याग कर दिया, जैसे गुरु जी कुछ नहीं जानते। अरे गुरु जी बोले चलो चलो देखते हैं, आकर के गुरु जी ने उसको नाड़ी को पकड़ा, नाड़ी को पकड़ करके बोले तो ये तो पूरा खत्म है, ये तो प्राण छोड़ दिया उसने। इतने में बोले देखो ये जिंदा हो सकता है, बोले जिंदा हो जाएगा गुरु जी, बोले आप जो कुछ बोलोगे हम शो करने के लिए तैयारी है, बताओ ये जिंदा करना क्या पड़ेगा। बोले एक काम करना पड़ेगा, अगर किसने इसको प्राण दे दिया ना, इसकी प्राण का विनिमय में जो प्राण देगा तो मर जाएगा लेकिन ये जिंदा हो जाएगा, इसको प्राण देना पड़ेगा। जब इतने प्राण के बदले में जिंदा होगा, जब इतनी सी बात बोल दिया ना, जो रो रहे थे परिवार में सभी का रोना खत्म, सभी का रोना खत्म, अभी कोई नहीं रो रहे, क्यों प्राण देने का, हाँ प्राण देने की बात आ गई ना,
सारे आंखों से आंसू और सबने सब पीछे पीछे हटना शुरू कर दिया, घर से हटना शुरू कर दिया। इतने में गुरु जी ने कहा, देखो उसको पिता माता को पहले बोले आप दोनों तो वृद्ध हो चुके हो और कितना दिन जीता रहोगे, अभी अभी तो बोल रहे थे आप, क्यों नहीं मरे बच्चे, क्यों नहीं मर गया जवान, आप प्राण दे दो। पिता माता बोले देखो मरने के बाद थोड़ी देर जीता रहता है, और कितना दिन यहाँ बच्चे के थोड़ी जिंदा रहेंगे, अच्छे अच्छे थोड़ी हैं, थोड़ा खाएंगे घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे घूमेंगे। गुरु जी मरने के बाद थोड़ी कोई जिंदा रहता है, मर गया छोड़ दो ना, जला दो कोई बात नहीं। इतने में पत्नी से बोले बोले तुम तो बोल रही थी मैं क्यों नहीं मर गई है, अगर ये रहते तो कमा करके संसार को पाल ले, तुम मरते शरीर छोड़ दो। बोले मैं पिता माता की एक ही बेटी हूँ, एक ही बेटी में अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा, इसलिए बोले गुरु जी मरने के बाद थोड़ी कोई जिंदा रहता है, जला तो कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया चलो। अभी बच्चों को बोले बोले तुम ही प्राण दे दो, बोले अभी हम तो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, अभी तो लिखाई पढ़ाई खाएंगे करेंगे, दुनिया देखेंगे संसार देखेंगे, मर गए छोड़ दो ना, छोड़ दो कोई बात नहीं चला दो। इतने में गुरु जी ने कहा देखो अरे मैं प्राण दे दू, अरे गुरु जी बहुत अच्छी बात है, आप ही प्राण दे दो, आप आगे पीछे कोई है नहीं है, आगे पीछे तो कोई है नहीं है, गुरु जी बड़ा दया होगी, आप ही मर जाओ और हमारे पति को आप जिंदा कर दो, आप ही मर जाओ। इतने में क्या हुआ, बोले देखो इसको बाहर निकालना पड़ेगा है, इसको बाहर निकालना, लेकिन वो तो हाथ पैर फेंक कर गिरा हुआ शरीर फूल गया, बोले ये तो ऐसे निकलेगा नहीं, फिर ये जो पिलर है ना उसको तोड़ना पड़ेगा। पत्नी बोली पिलर क्यों तोड़ोगे, ये पिलर फिर कौन बनाएगा है, इसलिए उसने तो इतना बड़ा है जो तलवार लेकर के आ गई, बोले उसका हाथ पैर काट कर निकाल, लेकिन वो तो मरा नहीं था ना, वो तो जिंदा है, वो सारी बात को सुन रहा था, ये सब क्या बोल रहे हैं। बोले जी भगवान सचमुच से जब हाथ पैर काट देगी, अब तो मैं जिंदा हूँ मरा थोड़ी हूँ, मैं तो सारी बात को मैं सुन रहा हूँ। इतने में गुरु जी ने क्या किया, उसको छाती के ऊपर हाथ रखा और हाथ रख करके गुरु जी जो मंत्र पढ़े ना वो धीरे धीरे, वो तो मरा नहीं था, वो वैसे पढ़ा हुआ था, गुरु जी मंत्र पढ़ते ही सीधा जिंदा हो गया, जिंदा होकर के, और गुरु जी जब चलने लगे ना ये भी उसको पीछे पीछे ये भी चलने लगे। परिवार वाले पीछे बढ़ गए, कोई बोले बेटा तू कहाँ जा रहे हो, कोई बोले तू पति तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चे बोले पिताजी आप कहाँ जा रहे हो, बेटे कहाँ जा रहे हो, बोले भैया जिसने हमें प्राण दिया मैं तो उनको साथ में जा रहा हूँ। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गले ठास देते फिरे माया से पिशाची, ये पिशाच रूपी माया क्या कर रहे हैं, जो अनित्य वस्तु में नित्य बुद्धि करा दिया, जो एक दिन संसार छूटने वाले हैं उसको हमने सच मान लिया, और जो सच है ना उसको हम झूठा मान लिया। सच कौन है, ठाकुर जी, ठाकुर जी सच है, उनको तो हमने झूठा मान लिया, और जो झूठा है ना उसको हमने सच मान करके इस संसार के चक्कर में हम भटक रहे, 84 लाख जन्म में भटक रहे। तब वो लास्ट कहते हैं इहारे करिया जाए छाड़ा ना ना जाए, साधु गुरु कृपा बिना नहीं हो पाए। बोले ये माया कब छूटेगी, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है माया को, जब तक गुरु वैष्णव संतों की गुरु जी की ठाकुर का कृपा नहीं होना भैया ये माया को कोई नहीं छोड़ सकते हैं, ये माया की बंधन बड़ा बंधन है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन दैवी जैसा मम माया दुर्दया, ये जो माया है ना ये मेरी माया है, बड़े बड़े देवता लोग भी इसकी मोह में चक्कर में पड़ जाते हैं, हैं ये माया किसी को नहीं छोड़ती है, हैं माया से कौन मुक्ति पा सकते हैं, बोले गुरु वैष्णव और ठाकुर जी जिसको पर कृपा करेंगे वही केवल इसी माया से निकल सकते हैं और भगवान की चरण की भक्ति को पा सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो कल गुरु पूर्णिमा गई है, क्या गई है गुरु पूर्णिमा, ये गुरु पूर्णिमा है क्या चीज, ये गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है, हैं हम लोग क्यों अपना अपना गुरु जी को पूजा करते हैं,
हम लोग इस विषय पर कुछ सुनेंगे। एक कीर्तन बोलते हैं, मेरे पीछे पीछे सब सब ताली बजाते हुए कीर्तन बोलो। ठीक है, सब ताली बजाते हुए बोलना। बोले जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय
कल श्री गुरु पूर्णिमा था, क्या था? गुरु पूर्णिमा। हम इसको पर कुछ कथा सुनेंगे और हमारे श्री बलराम प्रभु और हमारे श्री जनार्दन प्रभु जी और हमारे और कौन बोल सकते हैं? अरे आप बोल कौन बोल रहा है? पंडित जी प्रसिद्ध करना है, सुमित जी, वृंदावन चंद्र, सब लोग थोड़ी 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 इस विषय पर बोलेंगे। ये गुरु पूर्णिमा है क्या चीज, हम लोग कल जो गुरु पूर्णिमा था इसका क्या रहस्य है, हाँ इस विषय पर बोलेंगे। देखो कल जो था ना उसका नाम था गुरु, कल गुरु पूर्णिमा इसका नाम भी पड़ा। कारण है कल श्री व्यास देव जी का कल जन्मदिन, किसका जन्मदिन था? बोले ये व्यास देव कौन है? बोले व्यास नारायण स्वयं, ये भगवान। इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान अधर्मस्य तदात्मान सृजामि। कृष्ण खुद कहते हैं बोले जब जब इस जगत में अधर्म होने लग जाए, वो ब्राह्मण पृथ्वी संतों को पर अत्याचार होता है, बोले तब तक मैंने इस जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों में पालन करता हूँ। इसलिए कहते हैं व्यास देव कौन है? बोले ये भगवान स्वयं की ठाकुर जी। इसलिए भगवान की छह अवतार का अवतार बताया, कितने तरह के? छह तरह का अवतार है, उसमें मन्वंतर अवतार, सत्यावेश अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार है, ऐसे करके छह अवतार है। कहते छह अवतार में उसमें जो व्यास देव जी कहती है भगवान की ये सत्यावेश अवतार है। इनके अंदर में कभी कभी जो जरूरत होता है किसी व्यक्ति में भगवान विशेष करके कुछ शक्ति दे देते, कुछ उनके अंदर में शक्ति दे करके जो अद्भुत काम को है, अद्भुत काम को उन्होंने करवा लेते हैं, ये सत्यावेश अवतार है। इसलिए कल श्री व्यास देव जी का जन्म हुए। बोले श्री इनके पिताजी का नाम क्या था? क्या नाम था? हाँ उससे बड़े बड़े पंडित बैठे थे। इसलिए इनके पिताजी का नाम था श्री पराशर ऋषि। ये पराशर ऋषि कभी उन्होंने यमुना नदी को पार करते हुए एक तरफ में आए थे, लेकिन एक तरफ में आए लेकिन जब वापस जा रहे थे हो गया शाम। पहले केवट लोग रहते थे नदी के किनारे में निवास करते थे, जो आते थे उनको वो पार करा लेते थे। अभी इनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी सत्यवती। कभी सत्यवती बड़ी सुंदर, पहले इसका नाम था मत्स्यगंधा, क्योंकि ये मछली की पेट से इसकी जन्म हुई इसलिए इसका नाम थी मत्स्यगंधा। लेकिन बाद में इसका नाम हो गया योजनगंधा। क्या नाम हो गया? योजनगंधा। योजनगंधा मतलब मतलब है इनको श्री पराशर ऋषि आशीर्वाद दिए, बोले आज से तुम मत्स्यगंधा नहीं तुम योजनगंधा हो जाओ। मतलब कभी इसकी शरीर से मछली की बदबू क्यों निकलती थी? चूंकि ये किसकी पेट से जन्म हुई थी? भैया मछली से पेट से कोई सुंदर लड़की जन्म लेती? बहुत सुंदर थी। देखो इसका कारण है कभी एक मछली जो थी वो मछली कोई साधारण मछली नहीं, कभी ये मछली को अभिशाप स्वर्ग से मिली। ये बड़ी सुंदर कोई अप्सरी थी, किसी उल्टा पुलटा काम के ऋषि ने अभिशाप दिया जा तू मछली जीवन में जा। वो जो अप्सरी थी हम कहते ना कोई सुंदर लड़की हुई अप्सरी जैसे सुंदर बोलते ना, वो स्वर्ग की अप्सरी थी। एक समय स्वर्ग में एक उपरिचर वसु जो अप्सरा उड़ते हुए जा रहा था, उड़ते हुए जाते सब उसका रेत स्खलित हुई, होने पर ये मछली ने उसको निगल लिया। निगल लिया तो उसकी पेट से ये केवट ने मछली को पकड़ा, जब मछली को काटा उसको पेट से अपूर्व सुंदर ये लड़की जन्म हुई, अद्भुत सुंदर थी, हैं अद्भुत सुंदर थी। हम लोग ने महाभारत तो देखे होंगे, ये संतन महाराज जब उन्होंने जंगल में भ्रमण करने विद्या करने गए थे, इसकी शरीर की खुशबू एक जोजन तक जाता था, एक जोजन तक कंबल का खुशबू। संतन महाराज ने देखा भैया इतने सुंदर खुशबू कहां से आता है, उन्होंने ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने देखा सत्यवती को, देखा क्या सुंदरी,
अपूर्व सुंदरी शरीर से कमल खुशबू है तो उसके प्रति वो आसक्त हो गए, उसकी लंबी कथा करने के साथ में शादी किए। इसलिए यही सत्यवती वो साधारण बेटी नहीं। इसलिए जिस समय पराशर ऋषि को पार कर रहा था, हठात शाम हो गया, एक सुंदर टापू में नाव लग गई, लगने पर चार तरफ में कोहरा कोहरा हो गया और ऋषि ने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, दर्शन मात्र से ही श्री व्यास देव प्रकट हुए, यानी कि दिव्य दृष्टि से ही। अभी तो सत्यवती शर्मिंदा में पड़ गई क्योंकि अभी शादी नहीं हुई और शादी से पहले बेटा हो गया, वो शर्मिंदा में पड़ गई, बोले ऋषि बार अभी मेरी शादी नहीं, उसको पहले ही बेटा हो गया, इसमें जगत में तो बदनामी होगी। बोले बेटी बदनामी नहीं होगा, जो बेटा है ना एक दिन भी तुम्हारी खानदान को उजला करेगा, तुम्हारी खानदान को यही पढ़ाएगा। अब लोग महाभारत देखे होंगे, ये व्यास देव का कृपा से ही है, फिर श्री पांडु ने जन्म लिया, श्री धृतराष्ट्र विदुर इनकी कृपा से ही सब संतान हुए हैं, इनकी कृपा से थी, तुम्हारी वजह से दुनिया में हाँ भक्ति जगत में भक्ति की प्रचार प्रसार होगा और ये पृथ्वी का जो खानदान है तुमसे ही चलने वाले, चिंता मत करो, तुम्हारी बदनामी नहीं जगत में तुम्हारी सुनाम होगी। इसलिए इनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। बोले कृष्ण मतलब देखने में श्याम रंग के थे इसलिए कृष्ण, द्वैपायन मतलब ये द्वीप से प्रकट हुए, वेदव्यास मतलब पहले वेद एक था, इन्होंने एक वेद को अपने चार वेद रूप में ऋग यजु श्याम अथर्व चार वेद रूप में एक वेद को उन्होंने प्रकाशित किया, उसको बाद में फिर उन्होंने उपनिषद बनाए। वेद मतलब जो भगवान को जानाता है, उपनिषद मतलब जो जीव को भगवान तक पहुंचा दे, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र को रचना किए, उसको बाद में उन्होंने सत्र पुराण को बनाए, लेकिन तब भी उनको मन में शांति नहीं मिल रही थी। श्री नारद जी आए, बोले व्यास लगता है तुम्हारे मन में शांति नहीं, बोले गुरु जी आप सही बताए, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने ग्रंथ तो मैंने बनाई लेकिन अंदर से मेरे को शांति नहीं मिल रही, हमें पता नहीं चल रहा है क्यों शांति नहीं मिल रही। तब श्री नारद जी इसका कारण बताए, बोले देख बेटा तुमने दूसरे दूसरे धर्म को कैसे पैसे कमाओ, कैसे दान पुण्य करो, कैसे स्वर्ग में जाओ, कैसे विषय भोग करो, ये संसार की जो भोग सुख का तो तुमने संसार का धर्म को तो तुमने बढ़ा चढ़ा करके बता दिया, धर्म अर्थ काम दुनियादारी को, लेकिन जीव का जो असली धर्म है ना भगवान की भक्ति करना, हम भगवान के संतान हैं, उनकी भक्ति करना ही हमारी परम धर्म है, और विशेष करके तुमने जो भगवान हरि की महिमा को तुमने जी भर करके नहीं बोली। बोले क्यों, हमने पद्म पुराण में स्कंद पुराण में वहां पर भी हरि का महिमा अभी वहां भी गाए हैं। बोले हाँ गाए तो है लेकिन तुमने दूसरे दूसरे धर्म को जितने बढ़ा चढ़ा करके बोला ना, हरि की महिमा को तुमने नहीं गाया दिन भर करके, क्योंकि जी भगवान की संतान है, जब तक जी भगवान की शरण में नहीं जाए, भले ही सारा दुनिया की कर्तव्य को पूरी करे बढ़िया से बढ़िया करके, सारा दुनिया को रावण जैसे व्यक्ति देखो जिसकी पूरा देश लंका सोने की लंका, मंदोदरी जैसे पत्नी है, मंदोदरी मतलब जिसकी कमर बड़ी पतली है, विश्वकर्मा की बेटी है, कहते वो क्या थी उस समय में मिस यूनिवर्स, क्या बोलते हैं उसको, कितने उसकी संतान, लेकिन सोने की लंका में भी उसको बेचैनी, उसको बेचैन क्यों, भगवान की शरण नहीं गई, भगवान की भक्ति नहीं किया। बेटा जब तक जी प्रभु की भक्ति नहीं करेगा ना, कि दुनिया की जितने संपत्ति प्राप्त कर ले उसको ये संपत्ति कभी सुख नहीं देता है, सुख तो केवल प्रभु की भक्ति देता है। इसलिए श्री नारद जी बोले, बोले तुमने ये बताया कृष्ण भगवान होते हुए भी कैसे अपना सखाओं को झुंडन खाया, बताया इस विषय में, बोले नहीं, बोले भगवान को कंधे पर कभी दाम श्रीदाम उनको घोड़ा बना देते थे, बनाया बताया, बोले नहीं, कृष्ण भगवान होते हुए भी कैसे मैया ने उसको उखल में बांध दिए, बोले बताया, बोले नहीं, बोले भगवान होते हुए भी भगवान उसको
कृष्ण की कान पकड़ के उठाते बैठा थे, कभी बोले बोले नहीं, बोले भगवान होते हुए भी गोपियों के चरण में कृष्ण माफी मांगते थे, हैं उनके चरण में, बोले बोले नहीं, बोले अगर राधा रानी मान कर ले, कृष्ण को मनाना कितना कठिन होता था। कृष्ण बोलते थे मेरे को गिरिराज उठाना जितना कष्ट नहीं लगा उठाने में, जितने मेरे को अघासुर बकासुर को मारने में जितना हमें कष्ट नहीं करना पड़ा, अगर राधा रानी मान कर लेना, उनको मान को मनाना पड़ा कितना आसान नहीं। तुमने सब मान बताए, सब बताए, बोले बताया नहीं, बोले फिर तुमको शांति कैसे मिलेगी? अगर आत्मा को शांति पहुंचाना चाहते हो सभी थी, भगवान की महिमा को गाओ, भागवत ग्रंथ रचना करो, जिस ग्रंथ में भगवान की प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीला वर्णना करो, हैं कृष्ण कैसे घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते हैं, मैया की डर से कैसे बोलते हैं, मैया मोरी मैंने आयो सुन मैया मोरी मैंने कर्ण खायो। इसलिए कृष्ण कैसे लिखा, बोले नहीं, बोले शांति कैसे मिलेगी? जो संत है ना, ये परमहंस है। संत कौन है? ये परमहंस है। जैसे ये मानस सरोवर में रहने वाले, वो क्या करते हैं? कहते कमल का मधुपान करते हैं। लेकिन कौवा क्या करते हैं? जो झूठा जहाँ पर पड़ा होता है ना, वहीं पर जाकर के कांत तीर्थ कहते, उसको तीर्थ मानते हैं। लेकिन संत लोग जो भगवान की कथा, भले ही उसमें टूटी फूटी बात क्यों नहीं हो, अगर उसमें प्रभु की कथा होना, भक्त तो उसका आदर करते हैं। लेकिन बड़े सुंदर सुंदर अलंकार है, लेकिन ठाकुर जी की उसमें कथा नहीं, ये संतों को पसंद नहीं है। कौवा को पसंद है, कौवा जहाँ का का करके दुनिया की बात बोलते हैं, हैं? लेकिन अगर संतों को खुश करना चाहते हो, क्या करो, जीवों को भगवान की लीला चरित्र को वर्णना करो, इसी में ही तुम्हें शांति मिलेगी। अरे श्री नारद जी अपना कथा कैसे सुनाते हैं, जीवन में मेरे को कैसे भक्ति मिली, इतने बड़े साधु मैंने कैसे बना, केवल संतों की आशीर्वाद से, केवल संतों सेवा से मेरे को इतने बड़े मैंने संत बना, और कोई कारण नहीं। तब श्री व्यास देव जी भक्ति युक्त समाधि को द्वारा जब समाधिस्त हुए, तद अपस्यम पुरुषम पूर्णम मायांच तद अपाश्रय, उन्होंने पूरा गोलोक वृंदावन दर्शन किया। कैसे कृष्ण बंसी बट को पीछे, कैसे कृष्ण खड़े होकर के मीठी मीठी बंसरी बजाते हैं, जिनकी पाप पर श्री राधा रानी खड़ी हुई, कैसे ललिता विशाखा सखियां रूप मंजरी रति मंजरी, कैसे कृष्ण गैया चलाने जाते हैं, कृष्ण कैसे मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, जब बंसी ध्वनि करते हैं आकाश का मेघ कैसे छा जाती है, रिमझिम रिमझिम कृष्ण को हाँ फुहारा जैसे कैसे पानी देती है, छतरी रूप में पेड़ से कैसे मधु झरना शुरू हो जाता है, कैसे पक्षी कैसे मुनि बन जाते हैं, गैया कैसे घास खाना भूल जाते, बछड़े दूध पीना भूल जाते, कृष्ण बंसी ध्वनि सुनकर के जमुना उल्टी बहने लग जाते, उन्होंने पूरा उन्होंने सब दर्शन किया। जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, ऐसे उन्होंने सब कुछ दर्शन किया। दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनाया, बना करके उनका आत्मा को पूर्ण शक्ति पूर्ण शांति मिली। इसलिए हम ये भागवत कथा क्यों सुनते हैं, एक ही कथा को हर साल एक एक दो दो बार क्यों सुनते हैं, कारण यही है। श्री व्यास देव कौन है? ये भगवान स्वयं, बस व्यास नारायण स्वयं, ये भी दुनिया को सिखा देते भैया ये भागवत से ही तुम्हें शांति सुख मिलेगी, इसी से ही ठाकुर को कथा से ही तुम्हें शांति मिलेगी। इसलिए गोपिया क्या कहती है, बोले तब कथा बोलो वृतम तप जीवनम कभी भी ऋणितम कल्प सापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भो विकृणन्ति ते भोरिदायनम। इसलिए भगवान कथा से जिनको अमृतत्व प्राप्त होता है, शांति सुख सब भगवान की कथा से ही जीव को मिलता है। इसलिए कल श्री व्यास देव जी का जन्मदिन था, इसलिए व्यास जी के जन्मदिन होने के नाते इन्होंने ही ग्रंथ शास्त्र बनाया। इसलिए ये ग्रंथ शास्त्र बनाया, इसलिए ये पिता है, ये माता जी है, ये हमारे बच्चे हैं, इनकी भरण पोषण करनी चाहिए। सवेरे उठकर क्या करो, सबसे पहले पिता माता की चरण छू, पिता माता की सेवा करो, गुरुजन को आदर दो,
अपना घर में सब ये चीज किसने सिखा दिया, ये व्यास दत्त ने ये सारे ग्रंथ लिखे, तभी हम इसी संसार को हम ठीक से संसार में हम रह पा रहे हैं। अगर ये नहीं होते हमारा जीवन कुत्ते जानवर जैसे जीवन हो जाता है, कुत्ते गधे जैसे हमारी जीवन हो जाता है। इसलिए अच्छे बुरे ज्ञान इनकी कृपा से ही हमें सब कुछ मिला, इनकी कृपा से ही भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं। इसलिए हम सबके सबसे व्यास देव के चरण में हम ऋणी हैं। इसलिए कल व्यास देव जन्म हुए थे, इसलिए कल उसको व्यास पूर्णिमा हाँ गुरु पूर्णिमा कहते हैं। फिर यहाँ प्रश्न होता है, बोले भैया कल तो व्यास देव जी जन्म हुए, फिर हम अपना गुरु जी को फिर हम क्यों पूजा करते हैं, कितना फिर हम गुरु जी को क्यों पूजा करते हैं? कहते व्यास का मतलब होता है विस्तार करना, भगवान की कथा को जो विस्तार करते हैं प्रचार करते हैं। कहते हमारे गुरु जी क्या करते हैं, उसी तरह उसी परंपरा में आकर के व्यास देव ने जो काम किया था हमारे गुरु जी भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जगत में भगवान की भक्ति को प्रचार कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। इसलिए हम गुरुदेव को क्या कहते हैं, अभिन्न व्यास, अभिन्न व्यास कहते हैं। और गुरुदेव को कहते हैं, गुरुदेव कौन है, ये नित्यानंद अभिन्न, किसके अभिन्न, नित्यानंद और श्री ताऊ श्री बलदेव अभिन्न से ही गुरुदेव। जो भैया प्रश्न है, गुरु जी को हम बलदेव का अभिन्न नित्यानंद अभिन्न गुरु को क्यों कहते हैं, कारण है नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु कहते हैं क्या, कहते ये कृष्ण ना देखो बलदेव कृष्ण देखने में काले और ताऊ भैया देखने में गोरे, केवल इतना ही फर्क है, कृष्ण काले और बलदेव प्रभु गोरे, इतना ही फर्क और कोई फर्क नहीं, वो स्वयं विषय विग्रह। लेकिन होते हुए भी कहते हैं कि आप उन्होंने अपना 10 शरीर से कृष्ण की सेवा जगन्नाथ की सेवा ही करते हो, कुछ नहीं करते हैं, ये जो कुछ देख रहे ना ये बलदेव प्रभु कौन है, बोले ये संधि शक्ति की अधिष्ठात्री देवता, आधार शक्ति की अधिष्ठात्री देवता। ये जो सिंहासन कौन, बोले बलदेव प्रभु। हम जो बजरा बजाते हैं ये कौन, बलदेव प्रभु। जो मृदंग बजाते हैं ये कौन, बलदेव प्रभु। ये जो कथा ले रहे हैं ये कौन, ये बलदेव प्रभु। कृष्ण की पादुका कौन, ये बलदेव प्रभु हैं। कहते उनका छत्र, उनकी पादुका, उनकी वस्त्र, उनकी अलंकार, जो जगन्नाथ की जो कुछ देख रहे हो ये बलदेव प्रभु 10 शरीर से ये कृष्ण की सेवा करते, भगवान की सेवा हर समय प्रभु की सेवा ही सेवा करते हैं, और पंच रसों से सेवा करते हैं, पंचो रस से। इसलिए उसी तरह जैसे बलदेव प्रभु कहते गुरुदेव को क्या बोलते हैं, ये नित्यानंद बलदेव प्रभु अभिन्न, बोले कौन सा गुरु, बोले सब गुरु को हम नहीं बोल सकते हैं, ये नित्यानंद बलदेव अभिन्न उसी गुरु को कह सकते हैं, बलदेव प्रभु जो काम कर रहे हैं अगर वो काम को भी करते हैं। हाँ देखो जगत में अभी ऐसे कुछ कुछ गुरु है, जब भगवान भगवान की पूजा करने का जरूरत नहीं, ठाकुर को लेकर जमुना में गंगा में बाहर आए, गुरु को ही पूजा करते हैं, गुरु जी का ही नाम लेते हैं, गुरु जी को सब कुछ करते नहीं, ये गलती चीज है। इसलिए पुराण में एक श्लोक आया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये शास्त्र का श्लोक है। यहाँ पर गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर बताए हैं, और गुरु जी को साक्षात परम ब्रह्म बताया। इसलिए कुछ लोग ये श्लोक को सुनकर भी भ्रमित हो जाते हैं, वो करे क्या करते हैं, बोले भगवान भगवान कुछ नहीं गुरु ही सब कुछ नहीं, गुरु ब्रह्मा मतलब होता है गुरु जी ब्रह्मा जी का काम करते हैं, ब्रह्मा का क्या काम है, सृष्टि करना। गुरुदेव क्या करते हैं, जीव के हृदय में हैं, जीव के हृदय में जो हमें मंत्र जो भगवान के नाम दिया, हमारे हृदय रूपी खेती में कृष्ण नाम रूपी बीज को उन्होंने सृष्टि किया बोया, ब्रह्मा जी का काम सृष्टि गुरुदेव। और शंकर जी का काम क्या, बोले संहार करना, गुरुदेव भी संहार करते, बोले क्या करते हैं, हमारे अंदर में जो अनर्थ पाप काम क्रोध को कथा को माध्यम से वो चीज को खत्म कर देते हैं, ये चीज को खत्म कर, नहीं प्याज लहसुन नहीं करना, मांस मछली अंडा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, बीड़ी नहीं फूंकना और गंजा फूंकना नहीं, अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करना। गुरुदेव क्या करते, शंकर रूप में सारी गंदी चीज को हमसे दूर कर देते, सब चीज से हमारी हृदय से हटा देते। इसलिए गुरु जी शंकर जी का, और गुरु जी विष्णु, विष्णु का काम किया पालन करना। गुरुदेव हमें पालन कैसे करते हैं, भगवान की कथा सुना करके मीठी मीठी,
हमें भगवान की भक्ति की रास्ता बताते हैं, हैं? भगवान को प्रेम कैसे करें, ठाकुर जी को पूजा सेवा कैसे करें, विष्णु जैसे पावन करते हैं, गुरुदेव भी हमें भक्ति को द्वारा पावन करते हैं, हैं? इसलिए गु इसका नाम गु और रु, गुरु मतलब क्या, बोले गुकार अंधकारत्व रुकार तस्य निरोधक, हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके जो दिव्य आलोक को दे देते, ये गुरु जी का था, हैं? जैसे श्री ध्रुव महाराज जी, अब बता ध्रुव जी का गुरु कौन थे बोलो, और वाल्मीकि का गुरु कौन थे, नारद, प्रहलाद का गुरु कौन थे, नारद, ये सब का गुरु श्री व्यास देव का गुरु कौन थे, नारद। तब नारद जी का भी बताया तुम मेरा नाम लो, नारद जी जब ध्रुव जी से मिले क्या नाम दिया, ओम नमः भगवते, बोला ना ओम नमः भगवत, भगवान के नाम जब जब उन्होंने वाल्मीकि को मिले क्या नाम दिया उन्होंने, राम, प्रभु राम का नाम। इसलिए प्रहलाद जब मिले प्रभु का नाम, अभी जैसे श्री व्यास देव को नारद क्या बोले, बोले नारद मेरा नाम ले, मेरा पूजा करने ही, अगर शांति पाना चाहे तो ठाकुर जी की महिमा गाओ, भगवान की लीला चरित्र को गाओ। इसलिए गुरु जी का काम होता है जीवों को भगवत भक्ति के उपदेश, भक्ति की भजन की उपदेश देकर के जीव को जो भगवान तक पहुंचा देते हैं। गुरु जी कभी नहीं बोलते मेरा पूजा कर, मेरा नाम लो, मेरे भक्ति नहीं, यदि वो गुरु जी है ही नहीं, ये गुरु जी का काम ये नहीं है। गुरु जी का काम है जीव को कैसे भगवान तक, जीव को कैसे पहुंचा दे, ठाकुर तक जीव को पहुंचा दे, हैं? जब ध्रुव महाराज जो वैकुंठ जा रहे थे उस समय नारद जी इतने प्रसन्न हुए, बिना बजा बजा करके नाच नाच कर कीर्तन कर रहे थे, बोले क्यों, बोले आज मैंने एक जीव को मैंने भगवान तक पहुंचा दिया। इसलिए गुरु तभी प्रसन्न होते हैं जब एक जीव को वो भगवान तक, जीव को ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर तक पहुंचा देते हैं, बस गुरु जी सोचते हैं जीवन धन्य हो गया, आज एक जीव को मैंने ठाकुर तक पहुँचा दिया, ठीक है ना। इसलिए अभी हमारे भक्त लोग कुछ कुछ बोलना, श्रीकांत प्रभु जी इधर आ गए, आप थोड़े से बोलो, इधर आ गए सब, थोड़ी पाँच 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 मिनट से बोलना, ठीक है, सब लोग तैयार हो बोलने के लिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रन्थिरा प्रारम्भे करि मङ्गलाचरणं गुरु वैष्णव भगवान तिनिरस्मरणं, तिनिरस्मरणाहया विघ्ना विनाशः, अनायासे हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अस्माद्य गुरुपाद श्री श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत त्रिदंड स्वामी श्री तरुण स्वामी गुरु महाराज चरण कमल में साष्टांग प्रणाम प्रणाम करते हुए उपस्थित वैष्णव वैष्णवी छोटो बड़ो माओ बहे भाई सबको मान दंड प्रणाम। गुरुजी बताया आज गुरुजी पूजा, थोड़ी से गुरु का महिमा सुनना चाहिए, गुरु का महिमा गुणगान करना
मेरा पक्षे संभव नहीं, किंतु तभी भी गुरु जी का जो आदर्श है थोड़ी से कुछ बोलने के लिए प्रयास करूंगा। शास्त्र में बता गया कि वा पित्र किवा न्यासी सूत्र के नय जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हुय। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भगवान चार ही जाति बनाया, शास्त्र में बनाया बताया नहीं कोई ब्राह्मण गुरु होगा। कोई भी जाति में आने पर भी जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करने के लिए आए थे एवं दो व्यक्ति को भेजे थे, नित्यानंद प्रभु एवं हरिदास, एक ब्राह्मण कुल में आए एक जवन कुल में आए। इसी में प्रमाण का बताया है कि कोई भी जाति में आने पर भी जो कृष्ण तत्ववेता वही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को अच्छा तरह से जानते हैं वही गुरु बनने का लायक है। किंतु यहाँ पर प्रश्न है, देखने के लिए संसार में बहुत सारा वक्ता आते हैं, उड़ीसा से हो, बिहार से हो, बंगाल का हो, जो खुद को खुद ब्रजवासी बोलते वही भी आते। कृष्ण तत्व कृष्ण भक्ता ऐसे सुंदर बात करते, भागवत कथा आलोचना करते, बहुत सुंदर थे। भगवान कौन है, क्यों आए, किस लिए आए, हम लोग को क्या है, किस लिए आए, सत्य का बात बताते हैं। किंतु भगवान को बोलते हैं निराकार है। अभी जैसी प्रकार गुरु जी बोलते थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु है सर्वेश्वर, मेरे को पूजा करो। कृष्ण तत्व तो पूर्ण सिद्धांत बोलेंगे किंतु भगवान का आकार है नहीं बोलेंगे, तो उसको गुरु मान जाएगा, मानेगा गुरु नहीं। गुरु का बताया गुरु उसी से भी शब्द परे से निशाना, उसी शब्द ब्रह्म जो भगवान बताया भागवत में, उसी से भी जो ऊपर है, केवल ज्ञान अर्जन करने से कोई गुरु नहीं बन सकता। मेरे को 5 श्लोक पता है, मैं आपको बेवकूफ बना सकता किंतु गुरु गिरी कर सकता, गुरु नहीं बन सकता। जो व्यक्ति उसी से ऊपर है अनुभूति होना चाहिए। कृष्ण तत्व सिद्धांत ज्ञान हो गया, दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए हरि कथा बोल दिया, कभी गुरु नहीं बन सकता। खुद का अनुभूति होना चाहिए। अनुभूति होगा कैसे, जिस बात को बोलते हैं जब उसी बात को आचरण में आएगा वही व्यक्ति अनुभूति करेगा। क्योंकि गुरु जी जिस प्रकार बोलते हैं, सब लोग अभी थोड़े टाइम पे पहले बोल रहे थे सब लोग नाम करना चाहिए, बता रहे थे ना, खुद भी नाम करना चाहिए। जब नाम करेंगे नाम का प्रकृत क्या मिलेगा, नाम करने से अनुभूति होगा। अभी गुरु जी बता रहे थे नाम चिंतामणि बलराम प्रभु 5 रस द्वारा भगवान को सेवा करते, वही अनुभूति कब होगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह 5 रस उसमें भरपूर है, जब करोगे उसके बाद अनुभूति होगा। एवं केवल अनुभूति नहीं, उसी से भी ऊपर बात बताया, जिस प्रकार प्रभुपाद ने बताया था कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाई अच्छे चारे सहित वैष्णव। कनक मतलब पैसा, जो व्यक्ति पैसा के प्रति आसक्ति है नहीं, इधर भागवत कथा करता रहेगा, बीच बीच में बोलता रहेगा आज कृष्ण जन्म है, नंदो बाबा ने कितना गाय दान किया था भाई, 9 लाख गाय दान किया था, एक तो गाय दे दो, ज्यादा पैसा नहीं होगा 50,000, एक तो दे दो।
जिस समय रुकुणि कृष्ण का साध्य हुआ, वृषभानु महाराज प्रतिका सुंदरी बना दिया, बेटी को करोड़ों रुपया शादी करा दे, हमको तो 1,00,000 रुपया दे दो, लाइव चल रहा है भाई, लाइव में आपका टीवी में आएगा। इसी प्रकार पैसा को आसक्ति नहीं होना चाहिए, कर्म को कामी नहीं। आजकल संसार में देखने के लिए जो मिलता है, बहुत साधु भगवान को खुद खुद भगवान मानते, बोलते मेरा चरण में तुलसी पत्ता दो, किंतु जो भगवान है बंदी गृह में जन्म होकर भी बाहर आए थे, अभी जो साधु खुद को खुद भगवान मानते हैं, अभी भगवान बनकर भी थोड़ी देर के बाद जेल में जाते हैं। किसी किसी लिए एक कामिनी के लिए, कर्ण को कामिनी दोनों को छोड़ना पड़ेगा, प्रतिष्ठा भाई मेरा तो सब चीज है, क्षमा कर लेना मैं साधु नहीं हूं। किंतु जो व्यक्ति तीनों को छोड़ सकता, हमारा गुरु जी का पास ये चीज मैंने देखा, जिस प्रकार मैंने सुना था हमारे जो नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत ब्राह्मण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, तीनों आए थे। गुरु जी अभी थोड़ी टाइम पे व्याख्या कर रहे थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर तीनों का व्याख्या कर रहे थे। उसी प्रकार बताया गया था भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को विष्णु का अवतार है। हमारा गुरु जी का शरीर में भी मैं वही चीज देखा, किसी का व्यक्ति जिस प्रकार कोई भी बोलते हैं मैंने उनका शिष्य हूं, तू कहां शिष्य हो, किसी का शिष्य हो आप किसका, किंतु मैंने गुरुजी को देखा ही चीज, सबको किसी को भी बोलते नहीं, आप कहां का शिष्य हो, किसी का शिष्य हो, किसी भी आए, एक बात है किसी भी आए, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दासत्व करने के लिए आए, सब लोग को सेवा करो, कृष्ण का गुरु वैष्णव का सेवा करो, सेवा से ही प्रत्येक चीज आपको मिल जाएगा। जो पांच रस का बात है, सेवा करने के लिए कुछ त्रुटि है, आपको क्या दिक्कत है, आप लोग को अभी भी पता होगा, परत में जितना बार आते हैं गुरु जी, सबको प्राय एक एक व्यक्ति को लेकर जिज्ञासा करते हैं, भजन ठीक चल रहा है, मठ ठीक चल रहा है, आप कैसे हो, क्या दिक्कत है। जो प्रकृत में देखा, केवल तो आप लोग बोलते हम लोग हमारा गुरु जी है, किंतु नहीं, अन्य अन्य बहुत भक्त लोग भी आते हैं, आपको देखा होगा, मैंने पास में ज्यादा नहीं थोड़ी देर रुका हूं, किंतु उसी में जो मैं देखा, जितना व्यक्ति भी आते हैं किसी का भी शिष्य हो, सबको समान भाव में देखते हैं। इसी प्रकार जो गुरु है, गुरु होना चाहिए, किंतु और एक बात बताऊंगा, गुरु जी थोड़ी बताया, सब लोग थोड़ी थोड़ी बताने के लिए, बताने का तो बहुत चीज मेरे ज्यादा नहीं, थोड़ा पता था, किंतु और एक बताऊंगा, जैसे गुरु का तीन लक्षण होता है, शिष्य का भी तीन लक्षण होना चाहिए, तीन लक्षण है नहीं, एक लक्षण चित, जैसे गुरु तीन लक्षण है, इसी प्रकार शिष्य का भी तीन प्रकार शिष्य है, उनका भी तीन लक्षण होता है, एक है उत्तम शिष्य, एक है अधम शिष्य, एक है मध्यम शिष्य। जो उत्तम शिष्य होते हैं, गुरु जी बोलते हैं जो बोलना पहले करते हैं, जिसी प्रकार भरत महाराज रामचंद्र आदेश देना पहले भरत महाराज बोलते मेरा काम समाप्त है, जो चाहिए था पूर्ण तैयार कर चुका हूं, वही है उत्तम शिष्य। जो मध्यम शिष्य है, जिस प्रकार गुरुजी बोलते हैं उसी प्रकार हम लोग करना है,
जैसे पढ़ो वाचो जो इसे गुरु जी बोलते हैं ये करो सब कर देते ये छोड़ दो सब छोड़ दे सब पढ़ो अच्छा करते सब मध्यम शिष्य जो कनिष्ठ शिष्य मेरा जैसा व्यक्ति जैसा भरतवासी मेले खूब जोर ताली बजाओ जैसा कनिष्ठ शिष्य मेरा मेरा व्यक्ति जैसा है जैसा गुरु जी एक बात बोलने पर नहीं सुनना अपना इच्छा से कुछ करना गुरु जी मेरे को बहुत बार बताया थोड़ी सी श्लोक अध्ययन कर ग्रंथ थोड़ा पढ़ मैंने चमड़ा मारते मारते बूढ़ा हो गया बिल्कुल गुरु जी का बात सुना नहीं और एक बोलते गुरु जी जैसा मैं किसी वैष्णव से सुना था जो कनिष्ठ वैष्णव होते हैं एक बार ज्येष्ठ महीना में गुरु जी आए थे वृंदावन से हमारा गांव पे गुरु जी आए थोड़ा सेवा कर लू 50 प्रकार सब्जी बनाया छात के ऊपर ले गया गुरु जी को थोड़ा स्नान कराऊंगा गुरु जी को थोड़ा स्नान कराऊंगा बहुत गर्मी है बर्फ 50 क्विंटल मंगाया ढाल दिया पानी अच्छा तरह से ठंडा लगेगा थोड़ा गुरु जी को स्नान कराऊंगा 10 कलश लेकर के आया बर्फ पानी मिलाया छात के ऊपर स्नान कराऊंगा सब कुछ ऐसे दिखाई पड़े सबको चरण मुत पिलाऊंगा गुरु जी का चरण मुत पीने से भक्ति होता है अब लोग उसे पता है तीन चीज द्वारा भक्ति होता है उसमें से एक है वैष्णव का चरणामृत इसलिए छाते के ऊपर ले गया बोला स्नान कराऊंगा सबको प्रसाद खिलाऊंगा एवं 50 प्रकार सब्जी बना करके सबको खिलाऊंगा खिला दिया मेरा जैसा व्यक्ति सोचा मैं भी गुरु जी आएंगे जो मेरा भाई जब ऐसा खिलाया मैं थोड़ी छोड़ूंगा मैं भी खिलाऊंगा दिखाऊंगा मेरा भी पैसा है तन मन धन से सेवा होता है मैं भी धन से सेवा करूंगा जब गुरु जी आए जनवरी महीना -5 डिग्री गुरु जी आ गए बोलता गुरु जी मैं भी 150 प्रकार सब्जी बनाऊंगा खिलाता नहीं टेस्ट करते करते जैसे हमारा घर पर सब्जी बच जाए इतना बनाऊंगा आओ छाते के ऊपर चलो थोड़ा स्नान करने से चलना तो सबको खिलाऊंगा जड्डे में बारह बार लेकर के आए गुरु जी थोड़ा स्नान करना है गुरु जी बताए बेटा मर जाऊंगा गुरु जी कुछ नहीं होता बोला भाई दिखाया था बर्फ डाल करके कैसे स्नान कराना है 50 प्रकार सब्जी बना के खिलाना है मैं भी 150 प्रकार सब्जी बनाऊंगा सबको खिलाऊंगा बर्फ पानी में स्नान कराएंगे गुरु जी बताया बेटा मैं गामछा पहन के आता हूँ गामछा पहना सीधा भाग गया इसी प्रकार मैं व्यक्ति हूँ इसी प्रकार कनिष्ठ शिष्य हूँ आप लोग तो मध्यम शिष्य अच्छा तरह से सेवा करना गुरु जी जिस प्रकार बोलते हैं उसी प्रकार करने से हमारा कल्याण होगा नहीं तो आप लोग सब जानते हो बोलना जरूर नहीं बंद छा कल को हरे कृष्णा बलराम हरे कृष्णा सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पार्षद परिवार का आचार्य त्रिदंड स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करता हूँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के श्री चरण कमलों में यथा योग्य प्रणाम आज हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है जैसा कि अभी गुरुदेव ने बताया कि कल 16 तारीख को श्री गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया गया लेकिन जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है ये साल में एक बार ही क्यों मनाना चाहिए एक बार नहीं मनाना चाहिए
ना ही महीने में मनाना चाहिए, ना ही एक हफ्ते में मनाना चाहिए। मैं कहता हूँ हर रोज भी नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हर पल मनाना चाहिए। क्योंकि जब हम हर पल मनाएंगे तो इसका मतलब है हम अपने गुरुदेव का स्मरण हर पल करेंगे। और जब हम गुरुदेव का हर पल अपने स्मरण करेंगे तो अभी अभी गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव ही एक ऐसे वो व्यक्ति हैं जो हमें श्रीमती राधा रानी से मिला सकते हैं। तो इसलिए गुरुदेव का स्मरण करना हमारा कर्तव्य भी है, हमारा फर्ज भी है और ये अनिवार्य भी है। और कहते हैं एक बात कबीर दास जी भी बोल के गए हैं, कह गए हैं कि गुरु गोविंद आओ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसलिए अगर राधा रानी को पाना है या कृष्ण को पाना है तो छलांग मार के उन्हें हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, गुरुदेव ने बताया। अगर उन्हें हमें प्राप्त करना है तो केवल और केवल सतगुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करके ही हम ये पद पा सकते हैं। और उसके पाने के लिए अभी गुरुदेव ने बताया कि हमारे अंदर छह चीजों का होना अनिवार्य है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरुदेव ने बताया सहन करना। अगर हमारे अंदर सहन करने की क्षमता है तो समझो हम गुरुदेव के प्रिय शिष्य बन सकते हैं। यदि हम सहन ही नहीं करेंगे तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। जरा सा हमें किसी ने कुछ बोला तभी हमारा पारा जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम कुछ भी सुनने के लिए अगर किसी ने मंदिर में यहाँ भी किसी को कुछ बोल दिया, जरा सा बोल दिया, होता क्या है कि अगर मान लीजिए मैं कोई सेवा कर रहा हूँ और मेरी सेवा से हमारे ब्रह्मचारी वर्ग, हमारे वैष्णव सभी प्रसन्न हैं, लेकिन कोई सेवा मुझसे ऐसी हो गई, मैंने कोई सेवा ऐसी कर गया जो उनके विधि विधान के अनुरूप नहीं है और उन्होंने मुझे वो सेवा करने से रोक दिया, तो तभी की तभी मेरा टेम्परेचर हाई हो जाएगा और मैं क्या सोचूंगा, अरे छोड़ो मंदिर में जाने से अच्छा है अपने घर में सेवा करूंगा मैं तो। अगर ये भाव आ गया तो फिर सहन करने की स्थिति कहां रही। हम जरा सी बात अपने वैष्णवों की, अपने गुरुओं की सहन नहीं कर सकते तो फिर भक्ति तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। इसलिए एक श्लोक और आता है, मैंने भी वो अपने गौड़ीय कंठाहार से पढ़ा है, उसमें लिखा है कि हरो रुष्टे गुरु स्त्राता, गुरु रुष्टे न कष्ट न, तस्मात सर्वपर्यत्ने गुरु में प्रसाद है। कहते हैं कि अगर गुरु रूठ जाएं, अगर हरि रूठ जाएं तो हम गुरुदेव की कृपा से हरि को प्राप्त कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अगर एक बार गुरु रूठ जाए तो किसकी सहायता से प्राप्त करोगे। इसलिए कभी भी किसी भी पल ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि गुरु के चरणों में, वैष्णव के चरणों में अपराध हो। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सहन करना। सहन करो, जिस समय गुस्सा आए उस गुस्से को अगर पी गए और कुछ देर के बाद हमने खुद उसको मनन किया कि वास्तव में गलती कहाँ हुई, तो समझो हम उस शिष्य बनने की राह में आगे हैं। और यदि तभी की तभी मैंने अपने क्रोध को काबू नहीं किया तो समझो मेरा पतन होना निश्चित है। इसलिए आप सबसे भी विनती यही है कि गुरुदेव के चरणों में, अभी अभी हमारे श्रीकांत प्रभु जी आपको बता के गए कि हम सब मध्यम हैं, बल्कि वो बता उल्टा गए हैं, हम मध्यम नहीं, हम कनिष्ठ हैं, मध्यम तो वो हैं, हम कनिष्ठ हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं करते, जरा जरा सी बात पे हम तुनक जाते हैं, जरा जरा सी बात पे हमें गुस्सा आ जाता है। जबकि अभी गुरुदेव ने बताया कि इस मंदिर को हमें क्या मानना चाहिए, ये भगवान का धाम है, हम यहाँ सेवा ऐसे कर रहे हैं जैसे भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान के घर में झाड़ू लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ धो रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान के घर को धो रहे हैं, रसोई बना रहे हैं। अगर इस भाव से हम यहाँ सेवा करेंगे तो भला कोई हमारी सेवा से कोई रुष्ट क्यों होगा। लेकिन वो भाव नहीं है, भाव क्या है कि मैं सेवा कर रहा हूं, हम राधा रानी की
मदद नहीं कर रहे, बल्कि मैं खुद सेवा कर रहा हूं और मेरी सेवा को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा, मेरी सेवा को कोई कह नहीं रहा, वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा, और इसने कुछ नहीं किया, क्या ये कल का आया हुआ है और इसके साथ बड़ा मित्रतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, इसके साथ बड़ा प्रेमपूर्ण व्यवहार हो रहा है। जब ये भाव आएगा तो फिर हम भक्त कैसे, हम कैसी भक्ति कर रहे हैं, हमें खुद सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं तो बस आपसे इतना ही विनती करता हूँ कि अपने अंदर वो सहन शक्ति पैदा करो, अपने अंदर गुरुदेव की बताई हुई बातों को बिल्कुल तन्मयता से उन्हें स्वीकार करो, और स्वीकार करके ऐसा नहीं कि यहाँ गुरुदेव ने बताया और नीचे उतरते ही पल्ला झाड़ दिया। गुरुदेव श्रीमद् भागवतम में एक कथा बोलते हैं कि बाजार में तीन तरह की मूर्ति मिलती है, एक मूर्ति का मूल्य 50 रुपये है, एक मूर्ति का मूल्य 500 रुपये है, और एक मूर्ति का मूल्य 5000 रुपये है। जो 50 रुपये वाली मूर्ति है वो इधर से सुनोगे और इधर को निकल जाएगी, यानी इधर पानी डालो और इधर को निकल जाएगी। दूसरी जो 500 रुपये वाली मूर्ति है, इधर को सुनोगे तो वो नीचे जाएगी, लेकिन जो 5000 वाली है वो इधर से जाएगी, नीचे जाएगी, मुख से बाहर आएगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो 50 रुपये वाली मूर्ति है, जो गुरुदेव यहाँ सुना कथा कहते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, वह इधर से सुना और इस कान से निकाल दिया, तो यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं। और 500 रुपये वाली मूर्ति आपने कथा सुनी हृदयंगम कर, लेकिन जो 5000 वाली मूर्ति है उसे सुना, स्मरण किया, चिंतन किया, मनन किया और फिर उसे दूसरों को सुनाया, वो भक्त का कर्तव्य होना चाहिए। इसी तरह से गुरुजी की बताई हुई सारी बातों को हम हृदयंगम करें, और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज अभी अभी हमारे श्रीकांत प्रभु बता के गए हैं कि गुरुदेव तो बहुत मिलेंगे इस संसार में, और ऐसी ऐसी कथा करने वाले मिलेंगे कि जो आंखों से आंसू भी बहाते हैं और औरों को भी रुलाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी को आज तक एक को व्यक्ति को भक्त नहीं बना पाए। ये गुण अगर है तो ये हमारे गुरुदेव में है कि और आप सब इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं, अच्छे से जानते हैं कि वास्तव में ही हमने जरूर अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था जो हमें सिर्फ भक्ति वेदांत सिद्ध गुरु स्वामी महाराज जी जैसे गुरु प्राप्त हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्र राधिका कहते हैं कि हम साधारण जी कभी इतनी ऊंची ऊंची बात बताने योग्य नहीं है। बताना क्या है, बताना मतलब उस बात में प्रतिष्ठित हो जाना, बताना नहीं है मुंह से बोलना, बताना ही वो होता है, उस बात में प्रतिष्ठित हो जाना वो अपने आप में ही बताना होता है।
कहते हैं कि भगवान की बात में ना कोई आज तक प्रतिष्ठित नहीं है। हम जैसे साधारण मनुष्य हम क्या भगवान की बात में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। बस यह है कि उन्हीं की कृपा है, उन्होंने जनाया है कि मैं कौन हूँ। थोड़े इधर इधर और आ जाओ आप, इधर इधर थोड़े चौर बैठे। है ना, इसलिए साधारण मनुष्य को ये भगवान की बातों को बता ही नहीं सकता। हाँ वो बता सकता है, क्या बता सकता है, किस चीज को बता सकता है? कहते हैं जिस बात को वो साक्षात्कार किया है, जिस बात को वो हृदयंगम किया है, और वो बात कुछ और नहीं है, वो है श्रील गुरुदेव। क्योंकि साक्षात गुरु की दर्शन करता है, गुरु की बात को हृदयंगम करता है, गुरु की कही गई बात को आचरण करता है, और वो ही व्यक्ति बता सकता है जो गुरु के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत है। अतः हम लोग अपने अपने अधिकार को जाने चुने कि क्या हम वाकई में वास्तव में इस बात को या गुरु की महिमा को बता सकते हैं या बताने या सुनने के लायक हैं। परंतु फिर भी तारे से जाना है, ज्यादा कहते हैं ना न्यायमात्मा प्रवचन लगभग कि जिसको वो जनाते हैं वही जान सकता है। इसलिए गुरुदेव का आदेश है बताने के लिए प्रतिष्ठित। हमारे प्रभु जी ने बताया कि उसमें क्या है कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस बात में हमें प्रतिष्ठित होना पड़ेगा ना पहले, जो कि हाँ जो होगा वही बता सकता है। अब बात आती है कि गुरु पूर्णिमा के बारे में, गुरु जी का आदेश, गुरु पूर्णिमा। इसमें दो पक्ष होता है, एक गुरु और शिक्षक। गुरु पक्ष और शिष्य पक्ष। गुरु पूर्णिमा का मतलब केवल गुरु, गुरु आज हमने तो सुना है गुरुदेव के बारे में, हमारे वैष्णव लोगों ने बताए और गुरु जी ने अपनी परंपरा के बारे में बताए, आप लोगों ने श्रवण किया, हम लोगों ने श्रवण किया। इसमें दो पक्ष है, अभी गुरु का पक्ष तो हुआ है, थोड़ी बहुत हम गुरु के बारे में तो जाने हैं, पर दूसरा पक्ष जो है शिष्य का पक्ष। शिष्य के पक्ष में भी कुछ बात होती है, उस बात को भी जानना चाहिए। और शिष्य पक्ष में भी दो पक्ष और होते हैं, क्या? एक अनुकूल और एक प्रतिकूल, एक अनुरूप पक्ष एक प्रतिरूप पक्ष। तो जो अनुकूल पक्ष में जैसे गुरुदेव का आदेश तारों को पालन कर लेना ही एक अनुरूप, प्रतिकूल पक्ष में बहुत ऐसी ऐसी विचारें हैं जिस बातों को समझना ही बड़ा कठिन है, जिस बातों को चुनना ही बड़ा कठिन है। इसलिए चुन ही नहीं पाते हम, पता है कैसे? देखो कई बार जब मंदिर में कथा होती है मैं बताता हूँ। मान लीजिए अभी कोई नहीं है, हम ठाकुर जी के दरबार में झाड़ू लगा रहे हैं, एक झाड़ू इधर लगे उधर एक लगाए, बीच में छोड़ दिया। जो बीच में छोड़ दिया ना वो क्या है? उसी का नाम कपट है, उसी का नाम कपट है। इधर एक झाड़ू मारा उधर एक झाड़ू मारा, बस क्या है? हम कर्तव्य कर रहे हैं कि मठ में आए हैं, चलो मान लो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है वही घर पे रहते तो घर के लिए करते हैं। इसके लिए खाली ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ हो जो भी हो, एक भक्ति साधक की बात यहाँ पर हो रहा है। मान लीजिए 10 व्यक्ति आ रहे हैं, वो अच्छे से झाड़ू लगा रहे, अच्छे से झाड़ू लगा रहे, कहीं भी नहीं छोड़ रहा, दूसरे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है कि वो भक्ति है। भक्ति तो भगवान के लिए जो माध्यम, उसी का नाम भक्ति है। तो क्या ये माध्यम बन रहा है? ये तो माध्यम उसके लिए बन रहा है भाई, उसके दो चार प्रशंसा में बातें सुनने के लिए मिल जाए। ऐसे हर एक सेवा में भी ऐसी ऐसी छोटे छोटे चीज हम पकड़ ही नहीं पाते। तो ये कपटता को दूर करने के लिए रघुनाथ दास स्वामी बड़े ही दयापूर्वक हम लोग को समझा रहे हैं। रे मन, तो इस बात को अच्छे से समझ ले भाई, आचरण तो तभी किया जाएगा ना जब इस बात की समझ में होगी। देखो ना कैसे, अगर हमें पता नहीं है रास्ते की बाई तरफ चलना है तो हम कभी भी नहीं बाएं, कभी बाएं तरफ चलेंगे तो दाएं तरफ चलेंगे, तो कभी इधर से उधर उधर से अक्रॉस लाइन हम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्मरण ही नहीं है, आचरण कहाँ से करेंगे। इसीलिए सबसे पहले उन बातों को चुनना पड़ेगा। चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कथाओं को सुनना पड़ेगा। जय धर्म एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इन चीजों को छोटी छोटी पर सूक्ष्म विचार को बदलाया गया है। इतना आसान नहीं है, तिलक लगा कर कंठी पहन करके माला हाथ में पकड़ लेने से परम गुरुदेव कहते हैं कि क्या वो यम दर्द से निस्तार हो जाएगा। कई बार हमें कथा में तो कहते हैं
कहते हैं ये चोला भी हो सकता है, उस चोले के पीछे असली वास्तविक रूप भी हो सकता है, इसीलिए उसके सहारा मत लेना कभी भी। उस सहारे को लेकर के जैसे बाहर के पंडित लोग भी पैसा कमाते हैं, वो चीज कभी नहीं करना। अगर वास्तव में हम निष्कपट हो पाएंगे तो हमें वो चीजें मिलेंगी, इसीलिए निष्कपटता बहुत जरूरी है। इसीलिए देखो भगवान ने अपने जीवन में ना दो व्यक्ति का मुंह कभी नहीं देखा जिन्होंने कपट व्यस्त बनाया था, जो थे वो बन के नहीं आए। एक तो सबसे पहला सुपर्णखा, सुपर्णखा जैसी थी असुर थी, अगर वो असुर सकल बदल लेकर प्रभु के सामने उपस्थित होती तो काश काश भगवान उसको ग्रहण कर लेते। क्यों? भगवान है ना, भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो काश भगवान किसी जन्म लेकर के कैसे भी जन्म लेकर, अरे चलो मान लो उसमें और उसमें तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो बंधे हुए हैं सीता जी के लिए, उसमें तो मर्यादा की पालन किया, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो तो भगवान है ना, अगर तुम कर तुम जो भी नहीं हो सकता उनके लिए तो सब कुछ संभव है, तो कर सकते थे, परंतु तो क्यों नहीं किया, उनके सकल तक भी नहीं कर। क्यों? कारण है वो जैसी थी असुर बन के नहीं सुंदरी बन के आई थी। ऐसे दूसरे कौन? उतना उतना कभी कभी नहीं देखा। भगवान ने जब उसको मारे ना तो उस समय आंखें बंद करते, तो गुरुदेव हमारे कई सारे टिकाऊ के क्यों उन्होंने आंखें बंद किया था, आंखें बंद करने के कई सारे 10-12 कारण बतलाते हैं हमारे विष्णु चक्रोत्पाद ने। तो इसमें यही बात को कह रहे हैं कि क्यों बंद किया था, क्योंकि वो कपट थे, उसके मन में कपटता थी, इसीलिए भगवान कभी कपटी व्यक्ति के मुंह नहीं देखते हैं। इसीलिए अगर हमारे अंदर इस बात की हम जानते हैं कि इसी बात को छोड़ना है, मैंने बताया ना कि अनुकूल बात है, चलो भक्ति करना, तुलसी में पानी देना, ठाकुर जी की आरती कर लेना, ये तो चलो हम कर ही लेते हैं, परंतु छोड़ना भी क्या है, उन चीजों को अगर हम नहीं समझ पाएंगे भाई कैसे करेंगे। इसीलिए इन चीजों में बरतना बहुत जरूरी है। छोटी सी कथा सुनाओ, इसके माध्यम से शायद आपको समझ में आ जाएगा। राम और युधिष्ठिर के दो व्यक्ति थे, दोनों बालक थे, राम के पास कई सारे कंचे थे और यदु के पास क्या था, यदु के पास था कई सारे लड्डू, ठीक है, तो लड्डू थे। अब राम को राम ने यदु को बोला कि भाई राम के पास क्या था, कंचे, यदु के पास क्या था, लड्डू के गोले थे, राम के पास कंचे, यदु के पास लड्डू के गोले। राम ने बताया कि भाई देख मैं ना तुझे मैं अपनी सारी कंचे को तुझे दे देता हूँ, तू एक काम करियो तो अपने सारे लड्डू को मुझे दे देना। बोला यदु ने बोला ठीक है भाई ले ले, तुझे किस बात की परेशानी है, मैं कल खरीद लूंगा। तो उसने क्या किया, उन सारे छोटे छोटे कंचों में उसके पास एक बहुत बड़ा सा कंचा था, तो उसने क्या किया जब यदु को दिया, यदु को उसने सारे कंचे तो दे दिए छोटे छोटे, परंतु उस सबसे बड़ा वाला उसने अपने पास रख लिया। ऐसे ही यदु की बारी आया तो यदु ने क्या किया, जितने भी उसके पास सारे लड्डू थे वो सारे के सारे उसने उसको दे दिया, किसको, राम को। अब राम जब उस लड्डू को पास में रखा था, उसने ना उसको रात भर उसको नींद नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि वो सोच रहा था जैसे मैंने एक बहुत बड़ा सा कंचा अपने में से निकाल के रख दिया, काश ऐसे ही युद्ध ने भी मेरे साथ किया है। इसी का नाम है आत्मवत मन्यते जगत, कि खुद को जैसा ही दुनिया को समझ लेना, क्योंकि खुद के मन में कपट है, इसीलिए कपटी व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता है ना। और हम दुनिया के साथ तो कपट करते ही हैं, भगवान के साथ भी कपट करते हैं। देखो ना हर प्रकार से हम भगवान में सौदा करते हैं, करो कोई बात नहीं, सौदा ही करो, परंतु कम से कम उनकी महिमा तो समझो। सौदा करने के लिए मना कोई नहीं करता, भगवान आप हमें ये तो हम देंगे, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि आरती जो दुखी होता है मेरे पास आता है मैं उसको देता हूँ। पर ये नहीं होना चाहिए कि हम भगवान के साथ कपट करें, सौदा करो पर कपट ना करो, ये तो सौदा भी नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी अगर हम भगवान के पास जाते हैं ना, शरणागत भाव से नहीं जा पाते हैं, कम से कम ये तो हो कि भगवान आप हमें दे रहे हो, हम आपको दे रहे हैं, तो ये सिलसिला तो जारी रहे। भगवान हमें दे दिया, हमारे देने वक्त आया तो हमने भूल गए, ये नहीं होना चाहिए, इस बात का नाम कपट है। ये तिरुपति बालाजी आप जानते होंगे, पति पत्नी गए थे वहां पे मांगने के लिए, हमारे प्रभु जी कथा बताते थे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। दोनों गए थे वहां पे, बहुत सारे सोने बने चढ़ाते ठाकुर जी को, ताकि क्या है अपना घर गृहस्थी, अपना दुकान मकान, अपने परिवार, अपना जो सब कुछ अच्छा से अच्छा चल जाए। इसीलिए वो क्या करें, वहां पे बहुत सारे सोना बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाते हैं।
तो बारी आया, पति पत्नी गए थे, पति का बिजनेस थोड़ा ऐसे ही दगमगाना सा था, तो उसने क्या किया, ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी अभी तो मेरे पास कुछ नहीं चढ़ाने के लिए, मैं पर आपको गारंटी देता हूँ, मैं सिक्योरिटी देता हूँ, आप मेरा व्यापार चालू करा दो और इतना बढ़िया मुझे मुनाफा करा दो तो हर साल जो मुनाफा आएगा उसका आधा मैं आपको दे दूंगा। मुनाफे की आधा में, ये नहीं कि पूरा टोटल का, जो लाभ ही लाभ होगा उस लाभ का आधा हिस्सा आपका, आधा मेरा। तो पत्नी वही थी, पत्नी सुनी इस बात को कि ये मेरे पति का क्या है, ये बात है उनका मानसिक क्या है। तो अब साल भर पूरा उन्होंने दुकान वकान चलाया, बहुत अच्छा से व्यापार बिजनेस चला, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, ठाकुर जी की दया से, तिरुपति की दया से, बालाजी के। तो इतने में क्या हुआ कि उनका पूरा जो लाभ था ना वो आया, अब ठाकुर जी के पास आया, वो नहीं सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे कितना, तुम सोच रहे हो कितना और तुम्हारे पास मुनाफा आना चाहिए, लेकिन मैं तो 1,00,000 समझ रहा हूँ। अच्छा 1,00,000, तो जिस समय आया ना कि 1,00,000 समझो तो 50,000 में ठाकुर जी को दे दो, 50,000 मेरा है। अब जब मुनाफा के समय आया, जब साल भर बीत गया, तो एक साल में उनके पास 1,00,000 रुपया, 1,00,000 नहीं 50,000 आया। तो उन्होंने क्या किया, बोला तो पत्नी ने बोले चलो आप चढ़ाओ 25,000। बोले रे मूर्ख तुझे पता नहीं है, इस बात को मैं समझता हूँ, ठाकुर जी कितने दयालु, देखो देखो जब देने के बारे आते तो बंदे क्या समझ होती है। उसने क्या बोला कि मेरे ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं, उन्होंने पहले ही अपने हिस्सा को भगवान के लिए भी जो कपड़ता है इस बात को त्याग करने की सबसे बड़ी, क्योंकि निष्कपट जब तक हमारे हृदय नहीं होगा, ऐसे निष्कपट देखो ना बंजर भूमि में क्षमता नहीं होती है उत्पादन करने की, अगर ऐसी बीज में, ऐसी जमीन में बीज को बोए तो क्या लाभ होगा, कितना भी हम नाम कर ले वो क्या हो जाएगा, वो सारे अपराध में निकलते जाएंगे। वो हमारे उड़ीसा में लोग भाषा है उसमें कहते हैं राति सारा अनिद्रा मुद्रा, तो कहते हैं कि पूरा रात भर हमने पूरा जाल में मछली घुसा दे गए, परंतु भूल ही गए कि दूसरे छोर को बंद भी करना था, तो इधर से निकलते गए उधर से बाहर होते गए। इसी प्रकार से अगर हम इन छोटे छोटे बातों को नहीं समझाना, इसलिए सबसे पहली चीज हमें समझना पड़ेगा। गुरु जी हमारे पास आज हैं, अभी उपस्थित हैं, मन में बड़ा उत्साह है, आए भी हमें अपने, देखो हर कोई व्यक्ति अपने अपने श्रद्धा को लेकर के वस्तु के माध्यम से आया है, आप लोग आए हैं, हम भी आए हैं, तो हम कुछ ना कुछ देते हैं, पर देखो उससे गुरु जी कितने प्रसन्न हैं, इस बात की बहुत बड़े ध्यान रखने पड़े। हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, और भक्ति प्रमुख पूरी गोस्वामी महाराज जी इस बात को कहते थे, एकलव्य की तरह मत सोचो, एक तरफ गुरु के लिए क्या उपयोगी, गुरु का उसमें हित है या नहीं है, गुरु की इच्छा है या नहीं है, उसको ना चाहते हैं हम अपने मनमानी से जो भी कुछ कर लिया गुरु उसमें प्रसन्न हो जाएंगे, इस बात को मन से निकाल दो, ये गुरु सभा नहीं है। इसीलिए देखो कई बार हम क्या करते हैं, गुरु जी ने हमें उपदेश दिया, 5 उपदेश दिए, अब इसको अच्छे से समझो, 5 उपदेश दिए, उसको हमने लिख लिया, हमारे मन दो 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 के साथ सामंजस्य कर सकता है, बाकी 3 नहीं कर सकता। हम दो को पालन करें ना, हम उसी का ही नाम देंगे गुरु सेवा, पर वो गुरु की सेवा नहीं, वो मन की सेवा हुई। अगर गुरु की सेवा होता तो 5 के 5 की सेवा होती, परंतु हमने अपने मन और गुरु के आदेश को मिलाया, मिल गया तो 2 को हमने पकड़ लिया, बाकी 3 को छोड़ दिया तो वो कट्टर मार। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इस बात को वो विशेष ध्यान देते थे। इसीलिए गुरु की क्या उद्देश्य है, इसीलिए इस जगत में भी आए हैं, आचार और प्रचार सबसे बड़ी चीज है। आचार करियो क्यों ना करे प्रचार, प्रचार करियो क्यों ना करे आचार, आचार प्रचार दोनों ही गुरु का काम है। इसलिए गुरु जी का ये मुख्य उद्देश्य होता है, मैं जितने जीवों को भजन में लगा रहा हूँ उन सारे जीवों के अंदर 2 चीज होनी चाहिए, भजन करना और भजन में लगाना। देखो इस बात को अच्छे से समझ जाओ तो पूरा अच्छे से समझ जाओगे, कैसे एक पिताजी जब जाता है ना वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वेल्थ छोड़ के जाता है, कुछ धन छोड़ के जाता है कहीं ना कहीं कुछ उसके लिए व्यवस्था करके जाता है, दुकान उसके लिए ठीक ठाक करके चला जाता है, अगर नौकरी नहीं है बेटा कितने भी नालायक उसके लिए सब कुछ कर देता है। इसके पीछे क्या कारण है, वो चाहता है देखो जब तक मैं रहा तब तक तो मैंने उसको पालन किया ही है, पर उसके बाद भी वो चीज होनी चाहिए
जैसे मैं ना रहते हुए भी रहने के समान हो। इसलिए गुरुदेव भी क्या करते हैं कि गुरुदेव तो खुद भगवान की सेवा करते ही हैं, परंतु जब गुरुदेव चले जाएंगे फिर उसके बाद फिर ये मान लो मंदिर है, मंदिर अभी गुरुदेव कहीं और चले जाएंगे तो मंदिर के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ कर दे ताकि हमारे ठाकुर जी की सेवा गुजर चले। इसलिए आप लोगों को कथा सुना रहे ना ताकि आप लोग मंदिर आओगे आरती करोगे तभी तो ठाकुर जी की सेवा गुजर चलेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं अपने पूरे के पूरे जीवन भजन करने के साथ साथ भजन में लगाते हैं। इसीलिए और उपदेश भी यही होता है कि खाली उपदेष्टा ना बनो, आचार बन करके आचार करते हुए प्रचारक बनो। रूपा जी भी एक बात कहते थे, हमारा आज्ञा रैया महापुरुष बात कहते थे, मेरे आज्ञा को लो और पूरा ये देश उसको तार दो। कैसे तार दो? एक छोटी सी चीज में आप तार दोगे कि केवल कृष्ण उपदेश को देकर के। और किसको देना है? अधिकारी किस व्यक्ति को बता रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं कि मुसलमान है तो उसको नहीं बोलना, या तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा व्यक्ति है बहुत बच्चा सा है। कल ये यहाँ पे माता जी हमारे बैठी हुई है, ये हमारे प्रभु जी के यहाँ पे इनका बाल अकेडमी स्कूल है, इन्होंने सबसे पहले बड़ौद में इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए थे, तो कल ब्यास पूर्णिमा के अवसर पे उन्होंने हमें बुलाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, इनके लिए एक जोरदार ताली बजाओ। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे परंतु देखो इनके मन में ये था ताकि आज के दिन तो कम से कम बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ संस्कार पड़ जाए। और मैंने इस बात को हमारे गुरुदेव के अंदर में देखा, कहीं भी हम जाते थे ना जब मैं गुरुदेव के साथ रहता था या फिर अगर आना जाना रहता था, मुझे कहते जीवन ज्योति तुम सेमिनार को अच्छे से तैयार करो और बच्चों को सुनाओ। तो जब कथा के उपरांत बच्चे वहां पे खेलते थे तो बच्चे को समझाने के, क्यों जानते हैं कि जिनका उम्र तो चला गया, अब जो मिट्टी जो कच्ची है कम से कम उसको ऐसा एक स्वरूप दे दिया जाए, उसको एक सेहत दे दिया जाए ताकि वो भी कुछ अच्छे से सुंदर से उनकी जीवन को आकृति दे पाए। इसलिए अब देखो मैंने वहां पे गया तो मुझे क्या देखा, मैंने देखा कि बच्चे जो हैं उन बच्चों के अंदर क्या है, एक संस्कार है। क्या संस्कार है कि वो सबसे पहले, मैं आपके साथ क्यों बतला रहा था कि सबसे पहले ना हमारे जो गुरुदेव क्या चाहते हैं, उनका मन की इच्छा क्या है, इस बात को अगर हम पढ़ नहीं पाए तो हम गुरु की तो सेवा करते जाएंगे परंतु पूरे के पूरे रात हमारे खाली हो जाएगा, पूरा पूरा रात बीत जाएगा परंतु यहाँ से मस्जिद गए और उधर से निकल गए। अब आप जरा सोचो कि एक इतना मेहनत है, अब उन्होंने बच्चों को लगाना तो भगवान की सेवा में आगे बढ़ोतरी देना, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए देखो हमारे भगवान के धाम में ना अभी हम यहाँ पे जो भी सेवा कर रहे हैं, मान लो सब्जी माने करें ठाकुर जी के लिए, मान लो उनके लिए परिक्रमा कर रहे हैं, मान लो ठाकुर जी के लिए कपड़ा सिल रहे हैं, जैसे वहाँ दीदी हमें हमारे यहाँ पे ठाकुर जी की और एक दीदी यहाँ पे ठाकुर जी की कपड़ा सिलवाते हैं, और आप लोग सभी कुछ ना कुछ महीने में जो भी होता है आप ला करके देते हो, और यहाँ पे प्रभु जी लोग हैं, ये हमारे कालूराम प्रभु जी हैं, ये सब्जी भिजवाते हैं, यहाँ पे कितने सारे भक्त आप लोग हो कुछ ना कुछ आकर के दे जाते हो, इतना दे जाते हो कि हमें वो आज भी आटे में कीड़ा लग रहा था मैंने गाय को दे दिया, नहीं ज्यादा नहीं आधा किलो था। तो क्या है ना कि सारे ठाकुर जी की जो हम सेवा आज कर रहे हैं वो सारे के सारे सेवा वहां पे भी सेम है। ऐसा ना सोचो, सुबह हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रभुपाद जी ने वो चीज किया कि पूरा का पूरा राधा रानी के निकुंज जो मंदिर को यहाँ पे उतार दिया। मुझे बात को स्मरण आता है कि गुरुदेव हर बात पे इस बात को कहते थे कि वो सब कुछ सेवा जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं वहां पे जाकर के वही सब सेवा करेंगे, परंतु केवल एक सेवा नहीं कर पाए। जो सेवा के अधिकार केवल हमें इसी जगत में दिया जाते हैं, और वो कौन सा सेवा? भगवान की कथाओं को कीर्तन को सुनाते हुए जीवों को भक्ति में लगाना। क्यों ये क्यों नहीं हो सकता भैया? वहां पे भी यशोदा मैया भी तो ठाकुर जी के नाम लेकर के गाते हैं, वहां पे आप लोग भी तो प्रचार करते हो तो नाम ही तो सुनाते हो, तो वो सेवा क्या वहां पे नहीं है? कहते नहीं, प्रचार का मतलब यह है कि कृष्ण बहिर्मुख जीव को कृष्ण में उन्मुख कराना, कृष्ण की ओर आकर्षित करवा देना। अब जरा सोचो ना उस धाम में कौन जा सकता है जो कृष्ण को अच्छा लगता है या फिर कृष्ण जिनको अच्छे लगते हैं, है ना? इसलिए वहां पे वे सब लोग हैं जो कि पहले ही कृष्ण को जानते हैं, उनको प्यार करते हैं, प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, परंतु यहाँ पे उन लोगों के लिए प्रचार है जो कृष्ण से विमुख है। इसलिए केवल प्रचार की जो सेवा है ना, इस सेवा में
लगने और लगाने के लिए गुरुदेव का अवतार है। मैं कल भी पढ़ रहा था, हमारे ये प्रभु जी के रूम में ही पूरी गोस्वामी महाराज का बहुत बड़ा उदेशामृत है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें बताए गए कि गुरुदेव का वास्तविक सेवा क्या है, जो गुरुदेव ने दिया है। मानो वाणी से, मानो किसी ऐसी स्थूल वस्तु भी दिया है, उन सब वस्तु को लेकर के इष्ट गोष्ठी करना ही वास्तविक गुरु का सेवा है। गुरु ने दिया क्या है, गुरु ने दिया है कुछ विचार, एक साथ बैठ कर के प्रभु जी संडे में हम आएंगे ना, हमारे गुरुदेव के ऊपर जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने बताया है, उसके ऊपर थोड़े से विश्लेषण होना चाहिए। क्या हमारे काम वहां तक जा सकता है? जब भी गुरुदेव आते हैं बात बताते हैं, बड़ोद में एक एक व्यक्ति भी अगर एक एक व्यक्ति को जोड़े तो अगले गुरु पूर्णिमा में डबल डबल होगा, तो फिर तो मंदिर बनेगा। अब जरा सोचो ना, यहाँ पे बैठने की तो जगह नहीं होगा, फिर तो मंदिर बनेगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये गुरुदेव की इच्छा, मैं तो यही समझा आज तक। इसीलिए आपको क्या समझ में आ रही है, तो इस हिसाब से आप प्रयास करना। तो आज मैं यही कहकर मैं अपने बाणी को विराम देता हूँ, आपको पुष्पांजलि अर्पण करते हुए गुरुदेव की प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे प्रभु कृपा दृष्टि करें। वाचा कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, प्रचार करो हरे राम, प्रचार हरे कृष्ण। श्री सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय पुनप्रातपदम ओम विष्णु पादेश और श्री देवनाशी ने कौशल महाराज के नाम स्तुति धर्म प्रणाम ज्ञापन कर, उसके उपरांत जय नित्रिला पर विष्णु ओम विष्णु पादेश तो देवनाशी नारायण गोस्वामी गुरु महोदय के महाराज के चरणों में अनंत कोटि धर्म प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आए सभी वैष्णव सभी वैष्णव श्री खान प्रभु जनार्दन प्रभु सिद्धांत प्रभु सबके चरण में। अभी गुरु जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में, गुरु पूजा के बारे में। श्रीकांत प्रभु ने सुनाई, हमारे प्रणाम प्रभु ने सुनाई, मेरे तो कथा कुछ याद रहती नहीं ना, मेरे पे कुछ सुना 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 सकता हूँ उससे, जो मैं सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ। अभी वो प्रणाम प्रभु बता देना 50 रुपये वाला, मैं तो 50 रुपये वाला हूँ, इधर से सुना इधर को निकलेगा बुरा काम कर, तो मेरे कुछ याद नहीं रहता। आप सबसे ये विनती है कि गुरु जी अभी हमारे जो है ना जनार्दन प्रभु, कितनी सुंदर बात बताते हैं शिष्यों के बारे में। गुरु की तो महिमा सबने बताई थी, इन्होंने शिष्य की महिमा बताई कि शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है। आप सबने सुना, इसको सुनने के बाद अगर हमने इस बात को अपने मन में नहीं उतारा तो हमारा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, कोई सुनने का फायदा नहीं है। हमें अपने आप से ये सोचना पड़ेगा कि हमारे गुरु जी की इच्छा क्या है। गुरु जी के बताने से कुछ नहीं होने का, हमें अपने मन से ये सोचना पड़ेगा कि गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं, हम पे क्या करवाना चाहते हैं, भगवान की किस रूप में सेवा करवाना चाहते हैं। अगर ये बात हम नहीं सोच सकते तो हमारा गुरु जी का शिष्य बनना बिल्कुल बेकार है। और दूसरी बात ये है, अभी बता रहे थे ना जनार्दन प्रभु की, जैसे कोई आदमी आया झाड़ू लगाए, एक उधर मारी एक उधर मारी, बीच में कूड़ा छोड़ दिया चला गया, चार पांच लोग आए फिर अच्छे से रगड़ रगड़ के झाड़ू मार दिखाने को, ओहो भाई ये तो बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। उसका नाम अगर चार पांच लोगों ने नहीं लिया उसको आनंद नहीं आता। ये बात भी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये तो अपने मन से हमें सोचना पड़ेगा, हमें कहाँ हमें मंदिर में अपने मार्जन करना है, कहाँ सफाई करनी है, कहाँ ठाकुर की सेवा करनी है, हमारे पुजारी जी को क्या सामग्रियाँ मंदिर में चाहिए, क्या पूजा की सामग्री चाहिए, क्या यहाँ पे लाना है, क्या देखना है, ये करना भी हम सबका कर्तव्य है, ये किसी के कहने से नहीं होगा। अगर ये बात हम आप सब ने अपने मन में सब उतार लेंगे यहाँ पर देख के मंदिर में। दूसरी बात यह है, मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ, अभी मुझे पता चला था कि मंदिर में लोग नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे, तो क्यों, मैं तो आ ही नहीं रहा, सबसे पहले मैं अपने ऊपर ले रहा, मुझे समय नहीं मिल पा रहा, पता नहीं क्या कारण है, या गुरुदेव जी मेरे ऊपर कृपा नहीं है। और जो यहाँ के लोग आ रहे हैं मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके, और ये मत सोचे कि वो यहाँ आ नहीं रहे हैं तो वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो बाहर से भी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि उनकी सेवा नहीं चल रही है, चाहे वो अपने घर पे सेवा कर रहे हैं, चाहे वो दूर बैठे सेवा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्हें मंदिर का ध्यान है, एक दूसरे के माध्यम से वो पूछते रहते हैं गुरु जी कहाँ पे हैं, मंदिर में ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या सेवा हो रही है क्या नहीं हो रही है,
ये बात भी सोचना जो है हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये बात पता चलती है ना दूसरे को तो उसके मन को जो है दुख होता है। ये बात कभी भी सोच लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव जो है ना, गुरुदेव जब भी सबसे पहले फोन करते हैं मुझे करते हैं और पूछते हैं ये बताओ सबसे पहले सब ठीक हैं, इनका एक ही वर्ड है कि सब ठीक हैं। तो सब में तो सभी आ गए ना, बताओ ये थोड़ा ही है कि मंदिर में कितने लोग आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, सेवा हो रही है नहीं हो रही है, इनका सिर्फ एक यही वर्ड रहता है कि क्या सब ठीक ठाक है प्रभु जी, मंदिर में ठीक चल रहा है, मैं कहा ठीक चल रहा है। कभी मैंने गुरुदेव को ये नहीं कहा कि मंदिर में ये काम नहीं हो रहा, कभी नहीं कहा। जिंदगी में 10 साल के पीरियड में 9 साल हो गए आज तक, कभी नहीं कहा मैंने गुरुदेव को। जब भी मैंने कहा गुरुदेव को मगर जी बिल्कुल अच्छे से सेवा चल रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तो इस बात से गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ गुरु जी वो तो हानि रहा और वो पुजारी ऐसे करते वो ऐसे करते, फिर क्या होगा, गुरुदेव को कितना दुख होगा, वो कितना दुख होगा। ये बात हमें सबको समझनी पड़ेगी, इतने यहाँ लोग बैठे हैं जो नहीं है उनको वो वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ बैठे हुए भी जो लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं या बाहर से नहीं कर रहे हैं या वो आया नहीं या उसने गुरु जी को ये बात बता दी, ये बात भी हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है। अगर इसमें मैं किसी को कोई बात गलत लगती है तो सब मुझे मिलकर क्षमा करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्यों मेरे मन में ये बात बहुत दिनों से थी और ये बात गुरु जी के आने पर ही मैं कहना चाहता था, इसलिए मैंने आप सबको कही है। कोई मेरे से गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, वांछा कल पत्र। ओम ज्ञानतिमिरांगस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम अपने पूज्यपाद गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्तिवेदा श्रीधर गोस्वामी महाराज गुरुदेव के अभय चरण रविंद्र में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हम सभी लोगों को अपने जीवन में गुरु जरूर बनाने चाहिए। अभी हमारे बलरामपुर ने भी बताया था और श्रीकांतपुर ने भी बताया था कि ऐसे गुरुजी मिलना तो बहुत ही मुश्किल नहीं, बहुत ही बड़ी मुश्किल है। ऐसे गुरुजी तो बहुत ही कम ही लोगों को मिलते हैं और हम सौभाग्यशाली भी नहीं परम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे को ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए हैं। और मैंने तो खुद अनुभव किया है, एक बार की बात है, गुरुदेव कथा करने आए थे और गुरुदेव को वहाँ विदेश जाना था कथा के लिए, तो मैं घर पर था, मैंने प्रभु जी से फोन किया, मैंने कहा प्रभु जी गुरु जी किस टाइम जाएंगे मेरे को बता दो। प्रभु जी कहने लगे गुरु जी तो सुबह चले गए। मैंने कहा सुबह चले गए, कहने लगे हाँ। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाया। फिर मैंने जनार्दन गुरु से पूछा कि प्रभु जी ऐसे ऐसे हो गया और मैं गुरुदेव का दर्शन नहीं कर पाया, गुरुदेव चले गए। तो प्रभु जी ने मेरे को कहा कि आप कुछ मत करो, घर जाके हरि नाम करो। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी। मैं घर गया, घर पर जा करके मैंने हरि नाम किया और करीबन 4 माला ही कर पाया था मैं। उसके बाद फिर मैं नीचे से छत के ऊपर चला गया हरिनाम करने। मैंने कहा ऊपर जाके करता हूँ, छत के ऊपर घूमता रहूंगा, हरिनाम करता रहूं। फिर मैं हरिनाम करता, 2 ही माला कर पाया, तभी गुरुदेव का मेरे पास फोन आ गया तुरंत। तो गुरु जी बोलेंगे कि हाँ ठीक ठाक हो। मैंने कहा गुरु जी। फिर गुरु जी कहने लगे और घर पर सब ठीक है। मैंने कहा गुरु जी। मैंने गुरु जी से पूछा गुरु जी आप कहाँ पर हो, कहाँ पहुँच गए। गुरुदेव ने कहा मैं बॉम्बे हूँ और अभी 1 घंटे बाद मेरी विदेश की फ्लाइट है। तो मेरे साथ में तो खुद अनुभव हुआ है और ऐसे बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
मेरा तो अधिकार नहीं है गुरु जी का गुरु तत्व बोलने के लिए गुरु तत्व के बारे में, क्योंकि मैं गुरु जी का सेवा ही नहीं किया, इसलिए कि गुरु जी का तत्व को इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अनुभूति नहीं है। जो भी थोड़ा कुछ सुना है, जैसे बोल देता हूँ कि चैतन्य चैतन्य में आता है कि हमारे स्वरूप क्या है, ये जो जीव है ये जीव का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, अर्थात कि जीव का स्वरूप क्या है वो नित्य कृष्ण का दास है। जो जब जीव ने कृष्ण का दास हुआ उसी समय क्या करना चाहिए, जीव का कृष्ण का सेवा करना चाहिए। हम जेहेतु हम क्या किए बद्ध हो गए इस जगत में आगे, हम क्या कृष्ण का सेवा डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आता है श्लोक आता है सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत सेविना निसंशय तो तद्भक्त परिचर्य रत्न करना, कि जब सिद्धि जो कोई भक्त के अंडर में मतलब भक्त के अनुगत्य में आता है उनको क्या होता है सिद्धि मिलता है। सिद्धि मतलब क्या, ठाकुर जी का सेवा मिलता है, कृष्ण का सेवा मिलता है। ऐसे ही हम क्या करना चाहिए, गुरु जी का अनुगत्य में आना चाहिए, इसीलिए गुरु जी का अनुगत्य में आकर ठाकुर जी का सेवा करना चाहिए। और और मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ जो बोलना चाहते हो वो खड़े होकर बोल सकता हूँ। और हम क्या बोलेंगे, क्या बोलो, अगर कोई बोलना चाहते हैं आप सुन जगह बोलने के लिए क्या बोलना चाहते हैं। और बोलो बोलो ओम अज्ञान तिंद्रादश ओम अज्ञान तिंद्रादश राधाकुंडमो राधिका माधवाशाम श्री गुरु श्री नमस्ते गुरु देवाय सर्व सिद्धि प्रदायिने सर्व मंगलाय सर्वानंद विदायिने हे श्री गुरु ज्ञानंद दीन बंधो स्वानंदात करो मै सिंधो वृंदावनाशीतापसाद राधे प्रणय प्रचार त्राय स्वयं जगन्नाथ गुरु संसार वहिन्ना दग्धं मातादृष्टं च त्वामं सदनं प्रति। सर्वप्रथम मैं अपने परम सद्गे परमादरणीय परम प्रिय विष्णुपादिक सुवासिनी श्री भक्तिवेदांत सिद्धर महाराज जी के श्री चरण कमलों में अष्टम दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात मैं सभी सन्यासियों ब्रह्मचारियों और सभी वैष्णव और वैष्णवों के चरणों में आयोग नमस्कार करता हूँ। जैसे सबने हमारे जनार्दन प्रभु जी ने बलराम प्रभु जी ने श्रीकांत प्रभु जी ने गुरु महिमा का वर्णन किया है, तो कबीर दास जी ने गुरु महिमा के लिए इतना बड़ा शब्द कह दिया कि गुरु जी जो हैं हमारे और अन्य गुरु जी को मैं बात नहीं करता, पर अपने श्री गुरुदेव की मैं बात करता हूँ। उस पर जो है वे साक्षात उसकी मूर्ति है। धरती सब कागज करूँ
लेखनी सबन राज साधु समुद्र की मसीहा करूँ गुरु ज्ञान फिर न लिखा जाए फिर भी गुरु ज्ञान लिखा ना जाए। इससे ज्यादा तो क्या कहें गुरु जी की महिमा में प्रणाम जी का था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवस महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मय गुरुर्वेद में तो गुरु की महिमा के लिए तो जो है कबीरदास जी ने भी जो है सबसे बड़े प्रथम जो है स्थान वो गुरु जी को दिया है। उन्होंने कहा है हरी रूठे गुरु मिले गुरु हरी होत सहाय गुरु रूठे हरी मिले हरी होत नहीं सहाय। यदि गुरु खुश हैं और हरी भी रूठ जाते हैं तो भी हमें जो है भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है। परंतु यदि गुरु ही रूठ जाते हैं और हरि मिले तो हमारी हरि भी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो गुरु महिमा तो इतनी बड़ी है जिसका वखान नहीं किया जा सकता। इसी उसमें मैं भजन के रूप में चार पंक्तियां मैं कहता हूँ। नन्हा सा फूल हूँ चरणों की धूल हूँ नन्हा सा फूल हूँ चरणों की धूल हूँ मैं तो आया हूँ तेरे द्वार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार नन्हा सा फूल हूँ चरणों की धूल हूँ मैं तो आया हूँ तेरे द्वार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ध्यान दो जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। ओ सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ध्यान दो जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं चंदा सा मान पाऊं सूरज सी शान पाऊं चंदा सा मान पाऊं इतना सा दो उपकार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ मैं अज्ञानी हूँ ओ मैं निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है मेरी जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। ओ मैं निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए प्रभु की भक्ति मिल जाए थोड़ा सा गुण मिल जाए प्रभु की भक्ति मिल जाए। हे गुरुदेव थोड़ा सा गुण मिल जाए निर्धन को धन मिल जाए प्रभु की भक्ति मिल जाए मानो तेरा उपकार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार गुरु पूजा करो स्वीकार। श्री सदगुरु चरण कमल श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण कर्णा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः।
मैं अपने गुरु जी की कृपा से दो शब्द आज आपके समक्ष बोलना चाहूंगी। वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है बोलने की, लेकिन मेरा प्रथम प्रयास है, कृपया मुझे क्षमा करना। गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अब ऐसा है जीवन में हमें गुरु तो बनाने हैं, लेकिन गुरु के विषय में पता कैसे चलेगा कि वे सच्चे गुरु हैं? क्योंकि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक तो असत गुरु और सदगुरु। अब सदगुरु के लक्षण क्या है? सदगुरु कौन है? सबसे प्रथम तो वे एक वैष्णव होने चाहिए। दूसरा, वे समस्त उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान है लेकिन वे ब्रह्म अनुभूति से ओतप्रोत नहीं है तो भी वे गुरु बनाने के योग्य नहीं है। अब असत गुरु तो इस संसार में हमें अनेक मिलते हैं, जो हमें छल से, कपट से, सोना निकाल के हाथ से, कोई माला वगैरह दे के इस तरह से हमें भ्रमित करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु ही वे हैं जो हमें भगवान से मिला सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और गोविंद मेरे समक्ष खड़े हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं पहले किसकी वंदना करूँ। मैं सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करूंगी, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान से मिलाया है। वे ही एक माध्यम है जिससे मैं अपने भगवान से मिल सकती हूँ। गुरु ही वह शक्ति है जो मेरे अंदर समस्त जो गुण है वे सब मेरे गुरु की देन है, क्योंकि मैं तो अवगुणों की खान हूँ। मेरे अंदर जो भी अच्छाई है वे मेरे गुरु की कृपा से है। और ये अनुभूति आपको जब आपको एक सदगुरु मिल जाता है, ये अपने आप ही आपको हो जाती है। राधा कृष्ण के नित्य लीला में हमें जो प्रवेश करा सकते हैं वे हमारे गुरु ही हैं। अब इस संसार में हमें ये समझना चाहिए कि ये संसार एक समंदर है और हम एक समंदर में नौका में बैठे हुए। अब जब हमें अच्छे और सच्चे गुरु मिल जाते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि अब हम इस संसार की जो भवसागर है इसको पार कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमें गुरु ने आश्रय दिया उसी समय गुरु हमारा हाथ थाम लेते हैं और एक नाविक बन के पतवार चलाने लगते हैं। हम उस नौका में अपने को सुरक्षित मानते हैं और जैसे भी चाहे हमें कितनी भी बुराइयां हैं हमें गुरु इस भवसागर से पार करा ही देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम तन मन धन से अपने गुरु की सेवा करें, क्योंकि गुरु एक चंद्र है। गुरु चंद्र है, वे हमें तीन तापों से मुक्त कराते हैं, आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। जैसे कि जो भी हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, यदि हमारे गुरु की कृपा है तो वे सब हमारे अंदर से दूर हो सकती है। और जो हमारे शरीर का जो ताप है, हम अनेक प्रकार के तापों से जल रहे हैं, क्योंकि यह संसार है, इस संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है, क्लेश है। हर घर में क्लेश है, भाई भाई में क्लेश है, गुरु भाइयों में भी क्लेश है। हम यदि यहाँ मठ में आते हैं तो हम एक दूसरे को नीचा दिखाना सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें यहाँ गुरु की सेवा करने के लिए आए हैं, ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो मेरी सबसे ये विनम्र प्रार्थना है कि यहाँ आने के बाद अपना जो वैमनस्य है वो अपने घर पर छोड़कर आए और ये सोचे कि यदि हमारे गुरुदेव आएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, क्योंकि हम एक दूसरे की बुराइयां करते हैं उसमें हमें कोई लाभ नहीं है और हानि है, क्योंकि यदि हम ज्यादा सा करेंगे तो गुरुदेव यहाँ आना ही छोड़ देंगे, फिर क्या करोगे? तो इसलिए हमें अपने गुरुदेव जी का आदर करते हुए हमें जो अपने समस्त दोषों को दूर करके और अपनी समस्त इच्छाएं जो हमारी जो गलत इच्छाएं उन्हें घर रख के आए, क्योंकि गुरु एक चंद्र के समान है। जैसे एक चंद्रमा करोड़ों को शीतलता देता है, इसी तरह से मेरे गुरुदेव अपने समस्त जितने भी उनके शिष्य हैं उन्हें शीतलता देते हैं। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के आपके एक प्रार्थना है कि आप सब लोग एक तरह से ये सोच करके आए कि मैं मठ में नहीं जा रही, हम अपने गुरु की सेवा करने जा रहे हैं।
बस मुझे यही शब्द बोलने थे। उपस्थित श्री ब्रह्मचारीगण और सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद करना। एक कहावत है कि पानी पियो जानकर और गुरु करो जानकर। अब गुरुदेव को जानकर क्यों करना चाहिए? उसके लिए गुरु जी एक कथा बोलते हैं कि एक है ना वक्ता थे जो कथा बोलते हैं। अब वो कथा बोल रहे थे तो जो अब कथा सुनने के लिए जो जाते हैं श्रोता गण, तो इनसे एक श्रोता थे तो वे उनकी पत्नी जो कथा सुना रहे थे उनकी पत्नी के पास गए और कहा कि देखो आपके पति कितनी अच्छी कथा सुनाते हैं तो आप भी कल को चलना कथा के सुनने के लिए। अब इस चीज़ को सुनकर तो वो भी रेडी हो गई, वो भी अगले दिन इस चीज़ को सुनने के लिए अपने पति की कथा सुनने के लिए चली गई। अब जो वे कथा सुना रहे थे, कथा क्या सुना रहे थे कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। तो एक दिन के बाद दिमाग में बैठ गई उसकी जो पत्नी थी। अब उसकी पत्नी घर पर आई, अब जो जितना भी लहसुन क्या का रखा था घर में सारा फेंक दिया। अब जो उन्होंने भोजन बनाया बिना प्याज लहसुन का। अब जब उसके पति कथा खत्म करके आए घर पे और कहा कि मुझे भोजन दो, अब भोजन दिया। जब भोजन खाने बैठे और जब टेस्ट किया तो उसमें कहा इसमें तो लहसुन कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि पति कि वो दूसरे लोगों के लिए है, सुनने के लिए है, अपने लिए नहीं है। मतलब कि हम कुछ आचरण नहीं कर लेंगे तो इसलिए एक बात कहते हैं कि आची नौती श्रास्त्रतम आचार्य स्थापयति स्वयं आचार्य यस्मादा आचार्य स्तेन कीर्तिता। मतलब कि आचार्य वह है जो खुद आचरण करता है और बाद में दूसरे को उपदेश देता है। जब तक वो आचरण नहीं कर देगा तब तक दूसरे को उपदेश देने के लायक नहीं है। अब इस चीज को गुरुदेव है कौन, अब मतलब सदगुरु है कौन, इस चीज को शिव जी पार्वती से कहते हैं। गुरु को वह संति शिष्य विद्या भार्गव, दुर्लभ सदगुरुदेव शिष्य संताप हार का। मतलब कि ऐसे गुरुदेव बहुत है जो शिष्य का संताप हार के हर मतलब कि शिष्य के धन को हरेंगे। कैसे? किसको कुछ भी कारण बता दे कि आपके घर में एक कलेश है, मतलब कुछ भी दुख है, इसको ठीक करने के लिए आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं करवा दो, वो करवा दो, वहाँ तीर्थ में भिजवा दो पैसे, तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत तरीकों से क्या करते हैं धन को हरते हैं, मगर दुर्लभ सतगुरुदेव शिष्य संताप हार का। अब जो संताप है, संताप है क्या? तो गुरुदेव बताते हैं कि चार सात प्रकार के दुख होते हैं, चार जन्म मृत्यु जरा व्याधि और तीन आदि बौद्धिक आदि दैविक आदि अध्यात्मिक। अब देखो अब खुद इस चीज को सोच कर देखो, अपने मन में इमेजिन करो कि जन्म हमारे लिए किस प्रकार दुख है। अब यदि आपको आप इस चीज को सोचो कि यदि आपको एक बहुत बड़ी बोरी में आपको उसको आपको उल्टा लटका दिया जाए और उसमें से आप ही खा लो तो आपकी जो स्किन है जिसको हम इतना इतराते हैं उसमें से उतार दी जाए, ठीक है। अब उसमें जितनी भी दुनिया की जितनी भी गंदी वस्तु हो सकती है, जितनी हम देकर जिन्हें पीछे हट जाते हैं, अब उसको भर दो उसमें और उसमें ऊपर से थोड़ा नमक मिर्च गेट दो। अब जो अभी चोट लगती है हमारे तो हम हल्का सा नमक या मिर्च लगती है तो कितना दुख होता है। आप देख रहे हमारे पूरे शरीर पर कुछ ही नहीं है, स्किन है ही नहीं, मतलब पूरे शरीर में मिर्च और नमक लगेगा तो कितना कष्ट होगा। अब इस चीज यही क्या होता है, यही हमारे माता के गर्भ में होता है, यही जो स्थिति है ये क्या है माता के गर्भ में। जब इस चीज को सोचने से कि इतना दुख है, जब ये हमारे साथ रियलिटी में होता होगा, हमारे साथ हकीकत में होता होगा तो कितना दुख होता होगा। अब मृत्यु एक चीटी या चीटा होता है ना, यदि वो आप काट ले तो कितना दुख होगा, पूरा शरीर तिल मिला रहता है। यदि उससे बड़ा एक बिच्छू वो आप काट ले तो कितना दुख होगा। अब गुरुदेव बताते हैं कि जब मृत्यु होती है उस समय 10,000 बिच्छू एक साथ उसको काटते हैं, तो 10,000 बिच्छू उसको काट रहे हैं तो कितना दुख होगा। उसी कारण से वो क्या करता है अपना मलमूत्र त्याग देता है क्योंकि इससे इतना दुख होता है, तो कितना दुख होता है। जरा मतलब कि बुढ़ापा, अब बुढ़ापा तो हमने कभी देखा नहीं है, अभी आएगा आया नहीं। अब एक चीज को देखो, यदि आपको कुछ बीमारी हो गया, बुखार हो गया, बुखार में क्या होता है कि हमारे हाथ कांपने लगते हैं,
अब हाँ जब हम हमारे इतने हाथ शरीर हालत खराब होती है, इतनी कमजोरी हो जाती है कि हम अपने हाथों से एक गिलास का पानी नहीं खा सकते, वो स्थिति हमारी कहाँ है जब हम बुढ़ापे में होते हैं, जहाँ एक बिस्तर पे लेटे होते हैं वहीं पर मलमूत्र त्याग करते हैं, वहीं पर मतलब कि खुद पानी भी नहीं ले पाते और दूसरों की सहायता से अपनी सेवा करते हैं। और व्याधि अब पता है कि कितनी बीमारियाँ हैं, कितने प्रकार की बीमारियाँ हैं, और अभी तीन ये वाली कौन सी, आदि देविक, आदि बौद्धिक, आदि आध्यात्मिक, जो हमें देवताओं द्वारा मिलती है, हमें सगे संबंधियों द्वारा मिलती है, हमें आत्माओं द्वारा मिलती है। अब तो ये संताप है, जो ये दुख है, अब जो इनको हमें पता है कि दुख हमारे साथ तो है ही है, अरे ये कंपल्सरी होते कि हर किसी को ही मिलेगी मिलेगी ही। अब एक चीज और है, निर्दह माधव सुलभम सुदुर्लभम पल्लभम सुकल्पम गुरु कर्ण दानम मयानुकूल नवस्तु तेतम कुमार गाती ने तेज आत्मगा। मतलब कि हमें जो शरीर मिला है निर्दह माधव, जो जो निर्दह शरीर, जो शरीर है ये सुलभम, हमें सुलभ हुआ है, मगर ये क्या है बहुत दुर्लभ। दुर्लभ किस प्रकार से है, 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियों के बाद हमें एक मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर में कैसा शरीर मिलता है, हमें एक स्वस्थ शरीर मिलता है। हमारे अब किसी का बैल नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, चलो उसको पूरे अंग भी है, मगर किसी के पास दिमाग नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं कि जो इस चीज़ को समझ नहीं सकते कि भजन है क्या, हमें क्यों करना चाहिए भजन। अब जो हमें ये सारी चीज़ मिली है कि इतना सब कुछ मिला है कि स्वस्थ शरीर मिला है, हमें इस चीज़ को समझने के लिए है कि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भजन क्यों करना चाहिए। अब जब हमें पता है कि इतने दुख मिले हैं हमें, तो हम क्या करते हैं भजन की ओर अग्रसर होते हैं। अब उस भजन की जब हम अग्रसर होते हैं तो अब जो अब वो गुरुदेव हमारे हृदय में आता है। चार प्रकार के गुरुदेव होते हैं ना, दीक्षा गुरुदेव, पथ प्रदर्शक गुरुदेव और एक शिक्षा गुरुदेव और एक हृदय में परमात्मा गुरुदेव, चैत्य गुरुदेव। तो चैत्य गुरुदेव मतलब जो परमात्मा है, वे हमें अंदर जगाते हैं कि हमें बताते हैं कि हमें गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव से हमें क्या मतलब भजन के लिए अग्रसर होना चाहिए। अब जो इन जो सात दुख है, हमें पता है इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, अब इस चीज को हम क्या, अब हम जो अभी इन जो सारे दुखों को अभी गुरुदेव जी ने क्या बताया था कि गुरुदेव जब कब खुश होते हैं, जब उनका शिष्य इस जो जो भौतिक जगत है जिसमें दुखी दुख है, दुखालयम एहसास वगम, मतलब जो दुख का आलय है जहाँ से दुखी दुख है, जब इस जगत में कोई उनका शिष्य भगवान के धाम को जाता है, क्योंकि हम तो आए थे वहीं से, मगर हमें भोग विलास के लिए अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए इस जगत में आए थे। अब उस जब वहाँ जाते हैं वो व्यक्ति तो गुरुदेव सबसे ज़्यादा खुश होते हैं कि आज मेरे शिष्य तो वहाँ चले गए। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एक बार बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे
कोई छोटा बच्चा बोल रहा था ये बड़े सुंदर मृदंग बजाता है, ठाकुर जी का आरती में कीर्तन में मृदंग बजाता है, और हमारे श्री जनार्दन प्रभु से जो श्लोक बोल रहा था ना, कोई श्लोक वेद का था, कई श्लोक पुराण का था, कोई श्लोक उपनिषद का था, ये जनार्दन प्रभु जी ये बच्चों को उन्होंने सब श्लोक पढ़ाया, बच्चों को जो बोल रहा था वेद पुराण उपनिषद का वो श्लोक उठा उठा करके बोल रहा था। इसलिए आप लोग भी कोशिश करो, कोशिश करो बच्चों को यहाँ पर बच्चों को जैसे प्रभु जी के पास ना आए और कुछ श्लोकों की याद करें, ठीक है ना। दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को हम याद करते हैं, लेकिन अगर श्लोक जो है जैसे कृष्ण अर्जुन को ये श्लोक बताया, जब हम बोलेंगे इस श्लोक बोला किसने, बोले भगवान कृष्ण ने बोला, ये श्लोक किसने बोला, सब वेद व्यास ने बोला, बोले ये श्लोक किसने बोला, बोले गंगाचार्य ने बोला। जब हम श्लोकों को उदाहरण देते हैं उस अपनी आप अपना अंदर में क्या आता है, शक्ति आती है, इसलिए इसको संस्कृत कहते हैं। संस्कृत मतलब क्या, जो भाषा को जो सुधारे एकदम शुद्ध भाषा, ये संस्कृत भाषा है। इसलिए आप लोग भी अपना अपने बच्चों को भेजना, जैसे श्लोक सीखे शास्त्र पढ़े, अगर बच्चे अगर श्लोक सीखेंगे शास्त्र पढ़ेंगे फिर वो सिगरेट नहीं पुगेगी, फिर शराब नहीं पिएगी, फिर वो बच्चे जुआ नहीं खेलेगी, फिर बच्चे ये गंदे रास्ता से बच्चे बच जाएंगे, फिर बॉयफ्रेंड नहीं बुलाएंगे, ड्रग गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, उल्टा पुलटा गंदी रास्ता में नहीं जाएंगे, तो बच्चे भी बच्चे रहेंगे, बच्चे भी बच्चे रहेंगे। अगर बच्चे रहेंगे तो फिर जिस घर में बच्चे भगवान की भक्ति करें भजन करें पास उनको किस पीढ़ी उधार हो जाएंगे, किस पीढ़ी उधार हो जाएंगे। इसलिए बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार देने चाहिए और सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बोला, और छूते हो सवेरे उठ करके, सवेरे उठ करके पिता माता हो उनकी छो, अगर पिता माता नहीं हो सास ससुर है उनका भी चरण छूनी चाहिए। छूते हो सास ससुर कि नहीं छूते सास ससुर, सबके सब सास ससुर की देखो इधर, पहले मैंने बताया था ना, मानो तीन भाई है नहीं तो दो भाई, एक बहु सवेरे उठ करके पिता माता के सास ससुर की चरण छूता है, बड़ी सेवा करती है, एक एक सेवा नहीं करती, घर का जितने सोना चाहते किसको पास में रहता है, सास और ससुर को पास में, बाद में फिर बंटवारा होता है। अभी जो बहू ज्यादा सेवा करेगी फिर सास क्या करके होता, वो पहले उससे निकाल देगी, निकाल करके वो सोना चाहते उसको दे देगी, बोले बेटी तू इसको रख ले, बताना नहीं क्योंकि बाद में बंटवारा बंटवारा होगी ना, बाद में बंटवारा सब बराबर होगी। इसलिए अगर पिता माता की सेवा करेंगी उसमें भी लाभ है, शास्त्र ने बताया जो सदर उठ करके पिता माता के चरण छूते हैं ना उसकी चार लाभ होता है, कितना लाभ होता है वो चार लाभ, श्री श्री मतलब शोभा सौंदर्य लक्ष्मी है और बल है वीर्य पराक्रम, उसको जस जगत में बहुत बहुत सारे लाभ होता है जो सवेरे उठ करके अपना पिता माता की चरण छूते हैं। इसलिए तभी छुएंगे जब बच्चों के ऊपर अच्छी संस्कार पड़े, बच्चों को बहुत अच्छी ज्यादा संस्कार पड़ेंगे। पहले मैं बताया था ना कोई किसी ने आकर के बोले, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, गुरु जी ने क्या बताया, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को रामायण पढ़ाते, बोले नहीं, बोले जो पढ़ेगा नहीं बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसको यही दुर्गति मिलेगी। अगर रामायण पढ़ते खुद अगर बच्चों को रामायण पढ़ाते, रामायण में क्या लिखा हुआ, प्रात उठई रघुनाथा और मात प्रीत गुरु नमई माता, ठाकुर जी सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते थे, जब भगवान जब दशरथ महाराज शयन करते हैं भगवान होकर के पिताजी की चरण की सेवा ठाकुर स्वयं करते हैं, पिताजी के आदेश पालन करने के लिए ठाकुर जी 14 साल के लिए वनवास गए, बोले ये शिक्षा मिलेगी कहाँ से बताओ, शिक्षा कहाँ से मिलेगी, ये रामायण से मिलेगी, ये रामायण से मिलेगी, अगर रामायण पढ़ेगा बच्चों को पढ़ाएंगे ना फिर तो बच्चों के अंदर में अच्छी संस्कार आएगी, हैं अगर नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे पर पिता प्यार छुएगा नहीं जो उसको सिखाए नहीं। देखो कुछ दिन पहले मैं फरीदाबाद में एक ओल्ड हाउस में गया था, ये सही घटना है, ओल्ड हाउस में गया था, मैंने कथा सुना, वो सुन करके ना वहाँ के लोग रोना शुरू कर दिए,
रोना शुरू करती है, जिनकी पांच पांच गज की जितनी जमीन है, हजार हजार गज की जिसकी जमीन है, बड़ी हाई फाई लोग हैं, वो ओल्ड हाउस में पड़े हुए। जब मैंने कथा ऐसे सुनाई, बोले बाबा हमसे गलती हो गई, बच्चों को तो बोले पढ़ो 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 पढ़ो, एटीएम कार्ड बना दिया और इतने पढ़ा दिया, बच्चे जब थोड़ी सी ज्यादा पढ़ लिया ना, बोले तुम क्या जानते हो, अनपढ़ है, हमें एम ए पी एच डॉक्टर इंजीनियर हमने किया, बच्चे हमको उल्टा सीधा बोलते थे, बोले तुमको क्या पता है, कुछ पता नहीं था। और बाद में जब बहू आ गई ना, बस ऐसे ऐसे कलेश हुआ, हम देखा भैया कम से कम शांति में चैन में रहे, हम दोनों अभी ओल्ड हाउस में आकर के यहीं पर जीवन बिता रहे। ये सही घटना है, जिनको बड़ी बड़ी संपत्ति, बड़ी बड़ी संपत्ति है। इसलिए बच्चों को अगर बचपन से संस्कार नहीं डालेंगे, आपको ओल्ड हाउस में जाना पड़ेगा, ओल्ड हाउस में आपको भेज देंगे और कोई गति नहीं मिलेगी। अगर ओल्ड हाउस में रहना नहीं चाहते हो, स्वयं रामायण पढ़ो, गीता रामायण पढ़ो, और बच्चों को जब स्कूल भेज सकते जोर जबरदस्ती, क्या नहीं बोल सकते माला तो कर, जब इसको जोर जबरदस्ती स्कूल कॉलेज में भेज रहे हैं, उसको सवेरे इतना बजा भी चाहिए इतना, तो उसको एक माला नहीं करा सकते, नहीं बोल सकते गीता के एक श्लोक पर, पांच मिनट नहीं कर सकता। घर में नियम बनाओ, जब तक माला नहीं करोगे गीता पढ़े खाना नहीं मिलेगा, जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा तुम्हें। जब पढ़ाई हम जोर जबरदस्ती कराते हो, ये क्या करा नहीं सकता बच्चों, इसलिए ये चीज को बच्चों को कराओ, नहीं तो ओल्ड हाउस में तुमको जाना पड़ेगा लास्ट में। और वहां पर मैं देखा नहीं, कोई एक मुसलमान को नहीं देखा, इस मुसलमान को हिंदू जितने नालायक अपना धर्म को ऊपर अंगुल उठाने वाले साथ करता है वहां बैठे हुए सबके साथ, इसलिए क्योंकि मुसलमान बच्चों को देखना शुक्रवार क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके मेन रोड पर नमाज पढ़ाते हैं। कभी तुम बोलते हो अपना बच्चे को गीता पढ़े, कोई बोलता है हिंदू, कोई नहीं बोलता अपना बच्चों को, और उनको जोर जबर से बच्चों को टोपी पहना कर लेकर के मैं रोड पे उसको नमाज पढ़ाई छोटी सी उम्र से। मैंने गया था जयपुर, पांच साल एक बच्चों को तरह पतंग उड़ाते हुए मैंने उसको पूछा नाम क्या, वो नाम से पता चला तो मुसलमान है। मैंने तेरे को बोला नमाज तुमको कुरान आता, वो छोटा छोटा बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया कितना साल से तुमको सिखाते हैं, पहले हमारे धर्म में कंपलसरी तीन साल उम्र में उसको कुरान सिखाना पड़ेगा, हम बच्चों को सिखाते हैं सब चीज़, नहीं कुछ नहीं सिखाते, कितने उल्टा पुल्टा घर में देखो, वो पुस्तक पड़ा हुआ होगा, कितने गंदी गंदी हीरो हीरोइन का, हाँ कोई कोई बच्चे तो हीरो हीरोइन का पिक्चर अपना पकड़ में रखते हैं, कोई आदर्श पुरुष भगवान की नहीं, जितने गंदी व्यक्तियों को अपना पकड़ में रखते हैं, चरित्रहीन व्यक्तियों का रखो, तो भगवान की रखो ठाकुर का रखो, ठीक है। क्या करना, बच्चों को रामायण पढ़ाना, गीता के श्लोक पढ़ाओ और बोलो एक एक बच्चों एक एक माला, एक एक माला जप करने को ओल्ड हाउस में भेजेंगे और कोई गति तुमको नहीं मिलेगी, है ओल्ड हाउस में जाकर जीवन बिताओ। इसलिए हाँ सबका हरिनाम करो, भक्ति करो और सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूना, ठीक है ना, हम देखेंगे कौन चरण छूते हैं, पूछेंगे किसने चाहते थे सवेरे पिता माता की चरण छूना। हाँ बोलो ओम अकांत मेरा दृश्य ज्ञान जन सलाह के और चचो मंदिर के तस्व श्री गुरु नमः सर्वप्रथम आप जो दे ओम पाद जो तो सब श्री शिव भक्ति का शिखर को सर्व बुद्धि महाराज के श्री चरण कमलों में रण कोटि चल कर चरण प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु देव पूज्य पास श्री कृष्णदास प्रभु जी के श्री चरणों में विधायक को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव क्योंकि सभी को यह प्रणाम। आज हम सब श्री गुरुदेव जी के अनुगत्य में गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। ये गुरु पूर्णिमा कल की, कुछ के मन में क्वेश्चन होगा कि जब पूर्णिमा कल की तो हम आज क्यों मना रहे हैं, जैसे दिवाली कल होती है अगर हम उसके आज मनाए तो सब सोचेंगे आज क्यों मना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सबके मन में होगा मुझे लगता है, जैसे मेरे मन में है तो आपके मन में भी होगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो उसमें कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं सभी को श्री गुरुदेव जी का दर्शन हो रहा है, बताइए हो रहा है नहीं हो रहा है, जोर से बोलिए हो रहा है। हो रहा है,
क्या गुरुदेव जब कल यहाँ से किसी और सेवा के लिए चले जाएंगे, क्या गुरुदेव का कल भी दर्शन यहाँ होगा नहीं होगा? ये जानते हैं हम सब लोग? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि आप सब लोग जानते। कि अगर आप सब लोग जानते तो कल जो हमारे मठ में हमारे जनार्दन प्रभु के द्वारा शाम को सुबह दोनों समय गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ आरती कर कर बनाया गया, आप सब लोग उपस्थित होते। तो क्या आप जानते कि गुरुदेव अगर यहाँ है तो गुरुदेव यहाँ है, अगर नहीं है तो नहीं है? बताया आप सब लोग, आप सब लोग यहाँ गुरुदेव के श्री चरणों में अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी श्रद्धा लेकर उपस्थित हुए हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आए, हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनको कुछ भी आप जो वस्तु लाए उसे भेंट करें। तो क्या गुरुदेव कल नहीं होंगे या कल नहीं थे यहाँ पर? ये थोड़ा सोचने की विचार करने की बात है। गुरुदेव ने आप सब पर कृपा करकर, मुझ पर भी कृपा नहीं है, आप सब पर कृपा करकर इतना सुंदर मंदिर बनाया है आप सबके लिए। गुरुदेव ने इसको अपने हृदय से प्रकाशित किया है, गुरुदेव की हृदय की इच्छा थी, और कहीं नहीं बना सबसे पहले। कुल 3 साल में गुरुदेव ने रघुवर आने के बाद ये मंदिर की स्थापना, ट्रस्ट की स्थापना यहाँ कर चुके थे अपने हृदय से। तो क्या आम लोगों का औचित्य या आधार नहीं बनता कि हम गुरुदेव के हृदय में आकर भगवान का दर्शन करें? नहीं बनता? या सिर्फ आज ही गुरुदेव साक्षात आपकी जड़ आंखों के सामने, ये जड़ आंखें हैं, इनसे हम दर्शन नहीं कर सकते, इन जड़ आंखों के सामने साक्षात गुरुदेव प्रकट हुए तो गुरुदेव आए हैं? जब कल आप मंदिर में सुबह आएंगे, गुरुदेव जब जा रहे होंगे किसी और सेवा के लिए और प्रचार करने के लिए, उसके बाद क्या गुरुदेव यहाँ नहीं होंगे आपकी सेवा को प्रदान करने के लिए, लेने के लिए? या आप कल कुछ वस्तु लाएंगे क्या गुरुदेव उसको स्वीकार नहीं करेंगे? या कल लाके क्या गुरुदेव कल उसको स्वीकार नहीं करते आपकी वस्तु? कोई मुझे बताए। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो ये गुरुदेव का हृदय, सभी से निवेदन है कि आप सब सब यहाँ पर हरि बोल हरि। देखो जो मठ है, प्रभुपाद ने ये मठ का एक नाम किया बोले बसंती पठन की जत्रा छात्रा, ये मठ का डेफिनेशन है। ये प्रभुपाद कहते हैं ये मठ बसंती पठन की जत्रा छात्रा, मतलब है जहाँ पर बच्चे, कौन सा बच्चे जो पारमार्थ की जो विद्या जहाँ पढ़ाई जाती है, हैं उसका जहाँ वासस्थान प्रभुपाद कहते हैं। फिर जहाँ पर नित्य भगवान की कीर्तन कथा ठाकुर जी का दर्शन नित्य जहाँ पर हो, इसलिए बोले नित्यम भागवत से भया, इसलिए बोले नित्य करनी चाहिए। उदाहरण दिया, ध्यान देकर सुनो, जैसे कोई घर है, अगर एक दिन अगर उसमें झाड़ू बुहारी मत लगाओ फिर क्या होता है? एक दिन में ही गंदा हो जाता है। जैसे गमला में अपने एक पौधा भया, अगर पानी नहीं, एक दिन अगर पानी नहीं दोगे बताओ क्या होगा? वो मुरझा जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को ये बात दे रहे हैं, बोले गुरुदेव तो शिष्यों के हृदय में कृष्णा नाम रूपी बीज को बो दिया है, अगर उसमें नित्य श्रवण कीर्तन जले करे से चल, बोले नित्य नित्य श्रवण कीर्तन रूपी पानी में सिंचन करना पड़ेगा, तभी तो वो पद बनाते हुए आगे बढ़ेगा। अगर उसमें नहीं दोगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे मुरझा जाए। इसलिए मठ मंदिर और कली युग में विशेष करके बताए संघे शक्ति। संघे शक्ति मतलब अकेले भजन नहीं कर सकते हो, तभी आज यहाँ आनंद आ रहे, इतने लोग आए हैं, तभी कीर्तन भजन पूजा हो रही। अरे इतने लोग नहीं आते तो ये उत्सव नहीं होता। उसको क्या कहते हैं? उत्सव। उत्सव तो कब होता है? अगर हम अकेले बैठे करके यहाँ पर करता बजाए उत्सव होता क्या? नहीं होता। आप सबके सब आए हो तभी यहाँ पर आज उत्सव हो रही है, तभी उत्सव हो रही है। इसलिए कोशिश करना
कथा में जैसे सवेरे जो आ सकता है, जो आप नहीं तो अगर जो शाम को आ सकते हैं कोशिश करना आने के लिए। मैं देखता हूँ जो मंदिर में नहीं आते ना, बड़े दिन में दर्शन देते हैं, कभी गला से कट्ठी उतर जाती है, तिलक तो है ही नहीं, तिलक है ही। बोले क्यों? बोले पानी दोगे तभी तो वो पनपना कर बढ़ेगा ना, अगर पानी नहीं दोगे तो कहाँ से बढ़ेगा? वो हरी कथा पानी। और जो माला जप है तभी ये माला जप को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा गले से कट्ठी उतरेगी आप माला कहाँ बताओ। बोले क्यों? मंदिर में आते हरी कथा सुनते नहीं। फिर धीरे धीरे गमला में जो पौधा बोया धीरे 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 सूख करके बस खत्म। इसलिए गुरु जी से केवल माला ले लेना सब कुछ नहीं है, आए गुरु जी से मात्र सब कुछ नहीं है, है? इसलिए उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू उसको करना पड़ेगा। हाँ, जैसे उदाहरण दिया, जैसे आप यहाँ कलकत्ता जाना चाहते हो, यहाँ से बम्बे पुरी जाना चाहते हो, आपने एक टिकट खरीद लिया, अगर वो टिकट को अगर पॉकेट में रखोगे क्या कलकत्ता बम्बे पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच जाओगे, आपको रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, आपका नंबर देख करके ट्रेन में बैठना पड़ेगा, जो ट्रेन जाता है फिर वो ट्रेन आपको लेकर वहां पहुंचा देगा, है ना, वहां पर पहुंचा देगा। अगर पकेट में रख लोगे तो जहाँ के तहाँ रह जाओ पहुंचे। उसी तरह गुरु करना मतलब हमने तो टिकट बना दिया, बोलो तो वृंदावन जाने के लिए टिकट बना दिया, अगर पकेट में रख लोगे ना नहीं पहुंच पाओगे, घर में घर बैठ जाएगा, वहीं बैठ रह जाओगे। इसलिए हाँ देखो आज है क्या है, आज है व्यास पूजा। क्या नाम है? व्यास पूजा। चलो प्रभुपाद कहते हैं, बोले भैया व्यास पूजा का मतलब क्या है? वो बच्चे को चुप करा, बच्चे को चुप करा। इसलिए व्यास पूजा मतलब क्या है, कहते व्यास पूजा का मतलब क्या है? साधारण लोगों का धारणा है, ध्यान देकर सुना, साधारण लोगों का धारणा है साल में एक बार जाओ और गुरु जी की चरण में कुछ फूल चढ़ा दो और कुछ पैसा ले जाओ प्रणाम दे दो, भाई एक कपड़ा लेकर के गुरु जी को दे दिया बस, बोले व्यास साल में एक बार गए दर्शन के व्यास। प्रभुपाद ने किसको व्यास पूजा नहीं कहते, उसको व्यास पूजा नहीं कहते। बोले व्यास पूजा का मतलब क्या है? बोले गुरु जी की मन में जो इच्छा है वो इच्छाओं को पूरी करना ही व्यास पूजा है। कहते गुरु जी की इच्छाओं को पूरी करनी चाहिए। कहते प्रश्न है बोले गुरु जी की क्या इच्छा है? बोले ये चीज पसंद करो, गुरु जी की क्या इच्छा है? बोले गुरु जी की दो इच्छा है। कितना इच्छा है? दो। बोले पहला इच्छा क्या है? बोले गुरु जी जगत में आते हैं, इनका आने का कारण क्या है? इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये गुरुभाष्टक का जो पहला श्लोक, ये पहला श्लोक में बताए क्या बताए? बोले संसार संसार में आग लगी हुई है। संसार में क्या लगी हुई है? आग। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, सब हम संसार में दुखी दुखी। इसलिए भगवान हमारे पिता है। भगवान कौन है? हमारी, इसलिए कहते ना तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें वह बंधु सखा। भगवान हमारे पिता माता भाई बहन भगवान, हम उनकी सब औलाद हैं। अगर बच्चे अगर दुखी हो फिर पिता कभी सुखी रहते हैं? बच्चों का सुख देखकर ना पिता सुखी रहते, मेरे बेटा बढ़िया कमाई कर रहा है, पढ़ा रहे हैं और बढ़िया से, उसको देख कर पिता सुखी रहते हैं। पिता अगर सुखी, अगर बेटा सुखी नहीं हो ना, पिता भी दुखी दुखी हो जाते हैं। क्या उसी तरह हम भगवान की संतान हैं? हमारे पिता कौन है? ठाकुर जी। हम संसार में
जो दुख कष्ट को जो संसार में उठा रही हैं, हमारे दुख कष्ट को देख के भगवान बड़े दुखी हैं। मेरे बच्चे कितने दुख उठा रहे हैं, कितने कष्ट पा रहे हैं संसार में। इसलिए भगवान क्या के चाहते हैं, यदि इस बच्चे को क्या करें, इसको उठा करके हम अपना धाम में ले आए, अपना बच्चे को अपना धाम में ले आए। बोले वैकुंठ में क्या है, बोले जहाँ पर रोग नहीं, शोक नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं, आनंद ही आनंद प्रभु का धाम है, आनंद ही आनंद प्रभु का धाम है। इसलिए भगवान चाहते जीव मेरे पास में आए, इसलिए जीव कैसे भगवान को पास में जाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपना कृपा को एक मूर्ति देते हैं, अपना कृपा को एक मूर्ति रूप दे करके हमारी नकली करे, क्या उनको समझाओ, उनको समझा करके उनको क्या करो, मेरे पास में ले आओ। इसलिए कहते भगवान की कृपा ही इसी जगत में एक गुरु रूप धारण करते हुए आते हैं और आकर के हमें समझाए कि भैया भैया अपना घर में वापस चलो, अपना घर में वापस चलो, असली शांति से कोई मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए गुरु जी का पहला ये इच्छा है कि जीवों को कैसे भगवान के चरणों में पहुंचाए, ये पहला इच्छा है। और दूसरा इच्छा क्या है, दूसरा इच्छा ये है जगत में भगवान की जो भक्ति, भगवान की जो भक्ति की धारा जगत में प्रचार और प्रसार हो, खुद भगवान की भक्ति भी करो और दूसरों को भी भगवान की बात में बताया करो। चलो अपना घर में वापस चलो, ये हमारे घर नहीं, संसार दुख में ही ठाकुर के पास में चलो। लेकिन वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले हमें तीन काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, तीन। जैसे यहाँ अमेरिका जाना चाहते हो, लंदन, फ्रांस, विदेश और टिकट होगी, गुरुदेव हमें तीन चीज देते हैं और ये तीन चीज को ना सावधान से रखनी चाहिए, तभी तो जा सकते हो ना। ये साधारण दुनिया में अगर तुमको तीन चीज चाहिए, अगर भगवान को पास में जाना चाहते हो, फिर तो वो तीन चीज चाहिए ना। इसलिए पहला नंबर क्या, पासपोर्ट। बोले पासपोर्ट क्या, बोले गले में तुलसी की कंठी, गले में तुलसी की ये माला। जब गुरु जी को हाथ खाते हैं, ये गले में तुलसी जो कंठी इसको टच करते हुए अंदर में जाता है, ये पवित्र बन करके जाती है। जब कोई बोली बोलते हैं, तुलसी गले में है, इसलिए शुद्ध पानी निकलती है। अगर हमने गले से कंठी उतार कर पानी पिया ना, पाप पिया है। इसलिए कभी भी गले से कंठी उतर जाए किसी कारण से, उसको दूसरे धागा से, अगर कंठी नहीं नया, उसको दूसरे धागा से पो लो, पो करके जब तक दो बार नहीं पहनना, पानी तक नहीं पीना, गुरु जी मना करते थे, ठीक है। और जिसकी गले में तुलसी कंठी कभी, वो कभी नरक नहीं जाएगा, कभी नरक नहीं जाएगा। अगर तुम्हारी गले से कंठी उतर गई किसी कारण से, अगर मृत्यु हो गई, तुमको नरक से कोई रोक नहीं सकते, कोई नरक से तुम्हें रोक नहीं सकते। आपको पता होगा भारत में मरने का बाद 13 दिन के बाद में ये शुद्ध क्रिया होता है, क्यों, क्योंकि जो बेहतर नदी पार करने के लिए 13 दिन लगती है और केवल टाटी पेशाब खून पी का होता है, उसको कोड़े मार मार करके उसको नदी पार कराते हैं, उसको 13 दिन लग जाते हैं पार होने के लिए, तभी वो 13 दिन बाद में शुद्ध क्रिया होता है। किसको, जिसकी गले में कंठी नहीं है। कंठी नहीं तो तुमको कोड़े मार मार करके गर्म रेतियों के ऊपर में घिसट घिसट ले जाएंगे। ये कपिल देव अपना मांस दे रहे हैं, कुत्ते सियार मांस को नोच नोच कर खाएंगे, फिर जाकर के नरक में भर भोगना पड़ेगा। लेकिन गले में कंठी होगा, कभी तुम्हें ये वैतरण नदी पार करना नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कंठी से कभी माला उतर, सोने का पासपोर्ट है, पासपोर्ट को कभी भूलना नहीं होगा कि नहीं। हनुमान जी को देखे हो, कौन कौन देखे हो हनुमान जी, आप देना तिलक है कि नहीं। गणेश जी के देखे हो, देना उसको भी तिलक है, बगैर तिलक के ठाकुर भी नहीं रहते, ठीक है ना। तिलक लगाना, देखो तिलक की कथा सुन लो, ये पुराण की कथा है कि अगर कोई व्यक्ति एक विष्णु मंदिर को, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, सीता, गीता, लक्ष्मी, पार्वती, राधे, सबके सब उसको शरीर में निवास करते, जिसको शरीर में ये तिलक है, पहले हर हिंदू तिलक चोटी कट्टी, ये हिंदुओं का ये पहला धर्म था। अब देना तुम्हारे भैया को देख लेना, घर क्या करते थे, सवेरे तिलक लगा कर ठाकुर को लगाते थे और तिलक खुद लगाते थे। लेकिन तिलक ऐसे खोटा नहीं लगानी चाहिए, खोटा लगाओगे तो घूमते रहोगे संसार नहीं। आप भगवान को देखो तिलक ऐसे खोटा नहीं, उर्धव कुंड
तिलक जो भगवान तक ले जाए उर्ध्व पुंड होनी चाहिए ऊपर जो हमें ले जाए। इसलिए आप कृष्ण राम का तो फोटा कोई भगवान तिलक नहीं लगा भगवान उर्ध्व पुंड तिलक ठीक है ना। तिलक कभी नहीं उतरनी चाहिए। और जो तीसरा चीज है गुरु जी ने माला दिया है यही टिकट है। इसलिए माला कभी भूखी नहीं रहनी चाहिए। क्या नहीं रहनी चाहिए माला। इसलिए बड़े गुरु जी कहते थे जब गुरुदेव ने ये माला दिया माला नहीं दिया ये कृष्ण दे दिया भगवान माला नहीं माला रूप में हमारे पास में भगवान कृष्ण स्वयं आए। गुरुदेव कहते थे अगर एक दिन तुमने माला जप नहीं की इसका मतलब क्या है आज सारा दिन भगवान वस्त्र नहीं उतारे भगवान स्नान नहीं किया भगवान भोजन नहीं किया एक दिन अगर तुमने ये माला जप नहीं किया है। इसलिए माला कभी दुनिया भले ही अपना भूखे रह जाओ नियम है खाने से पहले पहले भजन बाद में भोजन। हमारे जो बड़े गुरु जी थे वो खाने से पहले जानते हो कितना माला करते थे 64 माला करते थे 100,000 माला करके गुरु जी तभी कुछ चीज को ग्रहण करते थे। तभी तो गुरु जी का जगत में जय जयकार हो रही ना। क्यों गुरु जी को पूजा विश्व में इनकी पूजा क्यों हो रही कारण है ये प्रभु भगवान की इतना भजन करते थे स्वामी महाराज प्रभुपाद वो तो दिन में तीन लाख हरिनाम करते थे। इसलिए हनुमान जी को देखो दिन भर प्रभु का नाम शंकर जी को देखो सब भगवान के नाम ही जब करते ठीक है ना। गुरु जी ने जो माला दिया है माला को भी भूखा नहीं रहनी चाहिए। खुद भूखे रह जाओ खुद भूखे रह जाओ खाना नहीं मतलब जब तक माला नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे ठीक है ना। इसलिए गुरु जी हमें ये तीन चीज दिया अगर ये तीन चीज को अगर धारण कर लिया ना बस ठाकुर जी को पास में सीधा कहाँ जाओगे भगवान के पास में सीधा। क्योंकि यही तीन चीजें दुनिया में आपको दूसरे राज्य में ले जाते हैं और ये जो तीन चीज है यही वैकुंठ का वीजा पासपोर्ट यही टिकट है जो यही हमें ठाकुर के पास में पहुंचाने वाले। इसलिए अंतिम समय में क्या बोल कर ले जाएंगे एक बोलेंगे ना राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोल गत्य है सब विवाद होगा। और जब जब तक सब कोई बात झूठा ही है राम और कृष्ण का नाम सच भरे उसको तुम सच को नहीं कहते हो फिर झूठे को पीछे क्यों पड़े हो। और सच का जो अंतिम समय तो यही बोलेंगे ना फिर झूठे को पीछे क्यों सच की नहीं करते।